यस ठीक है सर। आपसे, ठीक है ओके। ये बस 2 मिनट और देख लो, स्टूडेंट और आ जाए, 2 मिनट बस और वेट कर ले। अरे जो हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 11, वो अभी रहता था ना आखिरी से। हाँ लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था ना, वो जो सर, उस स्पेशल पे जनरल। एक एक पार्ट किया था, कैश बुक कर लिया था। उसके बाद 2 पार्ट रखते, कैश बुक बैलेंस ऑन अक्टूबर 31 और ब्रिंग डाउन द कैश बैलेंस ऑन नवंबर। हाँ सर, ये तो हो गया था, ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या था? अच्छा 11 था, ये हो गया था सर, आपने बता दिया था, ठीक है। वो हमने लास्ट टाइम मेरा ख्याल जो सॉल्व कर रहे थे हम, वो कैश कैश बुक सॉल्व कर रहे थे ना। अच्छा जी, सर वो कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक हो गया था, हो गया था, वो मैंने उसका सॉल्यूशन भी देखा था है। ना, अब हो गया था। उसी से रिलेटेड हम स्पेशल जर्नल्स में देखो आपने जो पढ़ा है अभी, देखो बहुत इम्पोर्टेंट है ये के स्पेशल जर्नल में हमने स्पेशल जर्नल्स आपको बताया, उसके बाद इस परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस जर्नल, सेल्स परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंसेस जर्नल, सेल्स रिटर्न्स अलाउंसेस जर्नल, फिर कैश बुक आपको समझाया, ठीक है, जिसमें कैश बुक बैंक बुक दोनों होगी। और अब ये लास्ट एक टॉपिक और इसमें रह गया, पेटी कैश है। ये देखो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल पार्ट अभी से भी बहुत इसकी इम्पोर्टेंस है, पेटी कैश, ठीक है। इसको अभी डिफाइन करके आपको बताएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व हमने आपको व्हाट्सएप भी किया हुआ है, ठीक है। तो हम स्टार्ट लेते हैं स्पेशल जर्नल में पेटी कैश, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग क्लास, ठीक है। टाइम हो गया 5 मिनट, 4 मिनट ऊपर हो गए। देखिए पेटी कैश क्या है, ठीक, कैश बुक और ये पेटी कैश। देखो पेटी कैश बिसाइड्स मेंटेनिंग ए मेन जनरल कैश बुक, मैनी कंपनीज ऑल्सो मेंटेन ए स्मॉल कैश बुक नोन एज पेटी कैश बुक टू रिकॉर्ड स्मॉल डे टू डे एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस। देखो इसका क्या मकसद है पेटी कैश का, कि मेन कैश बुक तो हमारी मेंटेन हो रही है, ठीक है, लेकिन ये पेटी कैश के थ्रू हम कैश पेमेंट कर रहे होते हैं स्मॉल अमाउंट, ठीक है, डे टू डे एक्सपेंडिचर हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हम फर्ज करो कोई चीज परचेज, स्टेशनरी परचेज करनी है, स्वीपर्स को पैसा देना है, राइट, कोई समझो मैगजीन, कोई न्यूज़पेपर हमने लगाया हुआ है उसको सब्सक्रिप्शन पे करना है, बिल आ गया फौरन उसको पे करना है, राइट, कोई चेक थोड़ी उसको लिए बनाएंगे। तो एक पेटी कैश बुक मेंटेन की करती कंपनी है, ये एक जो मेन कैशियर के अलावा एक और एक जूनियर लेवल का स्टाफ होगा, मेंबर होगा, उसको ये पेटी कैश बुक दे दी जाती है, ठीक है। स्मॉल बिजनेस ट्रांजेक्शंस की एंट्री वो कर रहा होता है और उसको कैश थोड़ा दे दिया दिया हैंडओवर कर देते हैं। देखिए पेटी कैश बुक क्या है, बिसाइड्स मेंटेनिंग ए मेन अ जनरल कैश बुक मैनी कंपनीज आल्सो मेंटेन ए स्मॉल कैश बुक नोन एज पेटी कैश बुक। इसीलिए पेटी का मतलब होता है स्मॉल, टू रिकॉर्ड स्मॉल डे टू डे एक्सपेंडिचर्स ऑफ द बिजनेस, ये कैश पेमेंट हो रही होगी। पेटी कैश बुक इज ए टाइप ऑफ कैश बुक दैट इज यूज टू रिकॉर्ड माइनर माइनर रेगुलर एक्सपेंडिचर, माइनर है लेकिन रेगुलर एक्सपेंडिचर, सच एज ऑफिस फीस, बस फेयर, फ्यूल, न्यूज़पेपर्स, क्लीनिंग, पिंस, कैजुअल लेबर, ठीक है। जो एक तो होता है परमानेंट लेबर, एक कैजुअल लेबर, एक किसी काम के लिए किसी एक दिन के लिए लेबर को बुलाया है, 2 वर्कर्स को, तो उसको पेमेंट शाम को उसको पेमेंट करनी है ना, है उसको के लिए चेक थोड़ी बनेगा, तो वो पेटी कैश के थ्रू उसको पेमेंट कर दी, ठीक है। ऑफिस टीज हमने कुछ टी बैग्स मंगाया या ऑफिस तो स्टेशनरी परचेज किया, वो फौरन हमने उसको पेटी कैश के थ्रू पेमेंट कर दी। दीज स्मॉल एक्सपेंडिचर आर यूजुअली पेड यूजिंग क्वाइंस एंड करेंसी नोट्स रादर देन चेक्स, ठीक है। करेंसी नोट्स के थ्रू हम इसकी पेमेंट करते हैं। दी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेंडिंग फॉर स्पेंडिंग पेटी कैश एंड रिकॉर्डिंग इट इन ए पेटी कैश बुक इज नोन एज ए पेटी कैशियर। देखो इसको कहते हैं, फिर कैशियर भी ये कहलाता है, एक मेन कैशियर होता है कंपनी में, एक पेटी कैशियर है, ठीक है, जो स्मॉल ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन हैंडल कर रहा होगा, ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन इसके थ्रू चल रहा होगा, राइट। तो आप देखिए हेलो,
हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन? हेलो, कौन? नहीं सुना रही, क्या कह रहे हो? मैसेज ही आया मेरा। मैं भी, आप कौन बोल रहे हो? स्टूडेंट हो मेरे? हाँ, तो मैं अभी क्लास में हूँ, फिर आपसे बात करूँगा। देखिए, सॉरी, मैं कई कैरियर कैशियर कैशियर है, चीफ कैशियर। बियर्स द हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग कंपनी जनरल कैश बुक इन विच रिसीट्स एंड पेमेंट्स अमाउंटिंग टू थाउजेंड्स ऑफ रुपीज आर इवन मोर देन मोर आर रिकॉर्डेड बाई हिम एवरी डे। ही देयर फोर यूजुअली डेलीगेट्स, देखो, ही यूजुअली डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हैंडलिंग स्मॉल डे टू डे कैश ट्रांजेक्शन टू द बुक कीपर। ठीक है, रिसेप्शनिस्ट है, ये किसको दे देते हैं? बुक कीपर, रिसेप्शनिस्ट और सम अदर रिलायबल स्टाफ मेंबर लाइक ए जनरल कैश बुक। ठीक है, ए पेटी कैश बुक हैज ए डेबिट एंड ए क्रेडिट साइड। बस इसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट साइड जैसे होना चाहिए। All receipts are recorded on the debit side, you know well, and all payments are recorded on the credit side of the petty cashier, by the petty cashier, ये काम होता है। तो ये देखिए, इसका ये देखिए, ये आपको कॉलम बता दिए। देखो, सिंपल फॉर्मेट ऑफ पेटी कैश बुक का फॉर्मेट क्या, देखो, रिसिट्स और डेट। ठीक है, अब डिटेल्स, टोटल। ठीक है, अब ये देखो, एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, मुख्तलिफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर वन, यानी जैसे इंटरटेनमेंट, इलेक्ट्रिसिटी कॉलम होगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट है। ठीक है, जब कैशियर को, इस पेटी कैशियर को पैसा मिलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ये एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उनके सारे, वो रिकॉर्ड करता जाएगा। ठीक है, डे टू डे, डेट वाइज, डेट के हिसाब से इसको पैसा मिला। जैसे फर्ज करो, आज 1 तारीख है, उसको पैसा मिल गया 50,000। ठीक है, फर्स्ट लिखा, 1 फरवरी है, यहाँ पर लिखा रिसीट्स में 50,000। अब इसकी पेमेंट शुरू हो गई, 1 फरवरी में भी हो रही होगी, 2 फरवरी में, 3 फरवरी, जो पेमेंट कर रहा है टोटल आ गया। और कौन सा एक्सपेंडिचर है, उसमें डेबिट कर दिया। एक्सपेंडिचर वन, या नाम लिखा होगा, जैसे इंटरटेनमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, गैस चार्जेस, सब चीज़ें इसमें डेबिट होती जाएंगी। अब वो डेट के हिसाब से वो पेमेंट करता रहे, करता रहेगा, और टोटल में भी आता जाएगा। तो बस ये कॉलम है। अभी इसका क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा आपको ये। तो ये लास्ट आपका जो था स्पेशल जर्नल के अंदर, पेटी कैश बुक। ठीक है, इसको अभी मैं, अब एक क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने जो सेंड किया है, ये निकालिए। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आपके व्हाट्सएप पे भी है, यहाँ भी मैं लोड करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, फॉलोइंग, देखो ये मैं इसको शेयर करता हूँ। क्वेश्चन शेयर हो रहा है? देखिए, जी सर, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये इसको व्हाट्सएप किया मैंने आज ग्रुप में भी, और सीआरस को भी। फॉलोइंग आर द पेटी कैश ट्रांजेक्शन फॉर एबीसी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020। देखिए, ये देखिए, दिसंबर 1st को रिसीव्ड कैश फ्रॉम द मेन कैशियर और पेटी कैश एक्सपेंस है। ये देखो क्या कह रहे, 1 तारीख को 25,000 रुपये मेन कैशियर ने इसको दे दिया। ठीक है, अब देखिए, एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ, अब इसी ड्यूरिंग द मंथ जो है ये एक्सपेंडिचर कर रहा है। देखो, मैगजीन सब्सक्रिप्शन, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, फ्यूल एक्सपेंसेस, क्लीनिंग एक्सपेंस, न्यूज पेपर एक्सपेंस है, रिपीट भी हो सकता है कोई, पोस्टेज एक्सपेंस, फ्यूल एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, क्लीनिंग एक्सपेंस, पोस्टेज एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, कैंटीन एक्सपेंस, न्यूज पेपर एक्सपेंस, फिर देखो न्यूज पेपर एक्सपेंस फिर आया शायद, हाँ, फिर पोस्टेज एक्सपेंस, ये भी रिपीट हो रहा है, फ्यूल एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस भी रिपीट हुआ। ठीक है, एक से ज़्यादा दफ़ा भी रिपीट हो सकता है, सेम डेट में भी, डिफरेंट डेट में, इस तरह ये एक्सपेंसिस चलते रहे चलते रहे। ठीक है, पूरे महीने में, ठीक है, 31 तारीख आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ, देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है,
फ्यूल सबका अमाउंट लिखा हुआ है। ये देखिए अमाउंट स्पेंट ऑन दिसंबर वास रीइंबर्स, आखिरी तारीख में यानी कि 31 तारीख तक, फर्स्ट से लेके 31 तक जितना एक्सपेंडिचर किया होगा ना इसने, 25,000 तो दिया, फर्स्ट करो एक्सपेंडिचर इसने किया 20,000, तो 20,000 यहाँ पर रीइंबर्स कर देगा वो लास्ट डेट को, ताकि दोबारा 25,000 हो जाए, ठीक है, जितना एक एलोकेट किया हुआ ना, जितना एक्सपेंडिचर हुआ वो यहाँ पर रीइंबर्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो इसमें रीइंबर्स का अमाउंट नहीं बताया, ये देखो अभी आपको समझ आएगा क्यों नहीं बताया, ठीक है। देखो प्रिपेयर कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, ये हमने बनाना है, प्रिपेयर कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, देखो किस तरह बनाएंगे। देखो ये सारे एक्सपेंडिचर जो हो रहे हैं इनके वो हेडर में दे दिया नाम, ठीक है। अब देखिए आपको मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ इसका, देखिए जो एक्सपेंडिचर हो रहे थे ना ये मैं शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने शेयर किया फाइल को, शेयर हो गई फाइल, हो गई शेयर। जी जी सर, देखिए है सबसे पहले देखें रिसीव, देखो ऊपर हेडिंग दिया है, हेडिंग जरूर दोगे, एबीसी कंपनी पेटी कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020। देखिए सबसे पहला दिसंबर 1 को पैसा मिला है उसे, है कि रिसीव कैश फ्रॉम द कैशियर, देखो ये रिसीट्स के कॉलम में लिखी है 25,000, ठीक है, रिसीट्स के कॉलम में इस अमाउंट को मेंशन कर दिया 25,000, ठीक है। देखिए अब देखिए आगे, देखिए अब सेकंड फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है, एक्सपेंसेस इनका ड्यूरिंग द मंथ 1 दिसंबर मैगजीन सब्सक्रिप्शन, देखो यहां पर मैं हेडर में अब दे दिए एक एक करके, मैगजीन सब्सक्रिप्शन, देखो फर्स्ट 1 दिसंबर मैगजीन सब्सक्रिप्शन, ये एक डिटेल्स लिख दिए, ठीक है, और इसको यहाँ पर डेबिट कर दिया, मैगजीन सब्सक्रिप्शन का कॉलम ओपन किया हुआ है, यानी कि कोई मैगजीन की सब्सक्रिप्शन आई, कोई बिल आया उसको पेमेंट कर दिए, 1200 रुपीज था, कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं होगा, ठीक है, इसने पेटी कैशियर ने पेमेंट कर दिया, क्योंकि सबको कैश चाहिए इस वक्त, चेक थोड़ी इनके लिए बनेगा ना, वो वेट कर सकते हैं समझो, ठीक है। अब सेकेंड भी आए ट्रेवलिंग एक्सपेंस, नहीं इस 25,000 में से वो एक्सपेंडिचर करता जा रहा है, सेकेंड में उसे ट्रेवलिंग एक्सपेंस, देखो ट्रेवलिंग एक्सपेंस 25,500, देखो 1,500, ठीक है। फोर्थ में, फिर फोर्थ में नहीं, जब तो थर्ड में ली कोई ट्रांजेक्शन, फोर्थ में क्या कर रहा है, फ्यूल एक्सपेंसिस 900 रुपये, तो फ्यूल एक्सपेंस का ओपन नहीं था, एक और ओपन कर लिया अकॉर्डिंगली, 900 चार्ज कर दिया, ठीक है। मंथ एंड में जो है ये एक्सपेंडिचर फिर जाए, अभी यूँ समझ लो कि इसके जो अकाउंटिंग हेड है ना अभी वहाँ पोस्ट नहीं हो रहा है, ये मंथ एंड में पोस्ट होगा, जनरल लेजर में अभी पोस्ट नहीं हो रहा, ये अपनी जगह रिकॉर्ड कर रहा है ताकि उसका डिटेल वो बता सके। फिर क्लीनिंग एक्सपेंस हुआ 6 तारीख में, देखो क्लीनिंग एक्सपेंस 6 तारीख, क्लीनिंग देखो 6 तारीख लिखी, क्लीनिंग एक्सपेंस कितना है, कितना है क्लीनिंग एक्सपेंस आपका 775 टोटल में लिखा, और क्लीनिंग एक्सपेंस का फिर एक कॉलम बना लिया तो उसमें डेबिट कर दिया 775। आगे चले एट्थ में न्यूज पेपर एक्सपेंस, न्यूज पेपर की पेमेंट की होगी तो न्यूज पे, ये सब पेमेंट बेसिस पे हो रहा है 500, और न्यूज पेपर का भी कॉलम नहीं खुला हुआ था इसलिए खोला, और ये 500 रुपये यहाँ भी डेबिट कर दिया, ठीक है। पोस्टेज एक्सपेंस 10 तारीख को, देखो पोस्टेज एक्सपेंस दे दीजिए 700, और ये पोस्टेज एक्सपेंस ओपन किया, इसमें भी 700 इनपुट कर दिए, ठीक है, ये होता जा रहा है रोज का रोज। फिर देखा 12th में, देखो फ्यूल एक्सपेंस रिपीट हुआ है, फ्यूल एक्सपेंस रिपीट हुआ, तो हम इसी फ्यूल एक्सपेंस पहले हमें ओपन किया हुआ था इसीलिए उसी के नीचे लिख दिया फ्यूल एक्सपेंस, ठीक है, फ्यूल एक्सपेंस हो गया। फिर 14 तारीख को ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस नहीं ओपन था, तो देखो 14th को ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितना है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस 750, 750, और ये देखो 750 ट्रेवलिंग एक्सपेंस ओपन किया 750, ठीक है। 15 तारीख में क्लीनिंग एक्सपेंस
उसमें कोई छोटी मोटी क्लीनिंग हुई होगी, जो क्लीनिंग डेस्क वगैरह कुछ भी, ठीक है, मशीनों की क्लीनिंग हो रही होगी, तो ये क्लीनिंग एक्सपेंस, क्लीनिंग 15 तारीख है, क्लीनिंग एक्सपेंस, और क्लीनिंग एक्सपेंस देखो तो रिपीट हो रहा है, पहले से ओपन था इसलिए इसके हेड में ओपन इनपुट कर दिया। फिर 17 में पोस्टेज एक्सपेंस, 17 में पोस्टेज एक्सपेंस, ये भी पहले से ओपन था टोटल, और देखो 17 पोस्टेज एक्सपेंस इनपुट हो गया। फिर आगे गए स्टेशनरी एक्सपेंस, ये ओपन नहीं था, इसको ओपन कर लिया स्टेशनरी एक्सपेंस, तो 600 रुपये देखो स्टेशनरी खरीदी होगी, उसकी पेमेंट बाजार से क्या होगा, लेकर आया होगा वो पेमेंट कर रहा है उसको, तो आपने लिखा स्टेशनरी एक्सपेंस 600 और पेमेंट कर दी यार। 19 तारीख के बाद 20 आई कैंटीन एक्सपेंस, कैंटीन की कोई पेमेंट होगी, कोई चीज परचेज किया होगा, ठीक है, मसाले वसाले ये वो, तो कैंटीन एक्सपेंस 500 रुपये, तो देखिए कैंटीन एक्सपेंस 500 रुपये, तो इसका भी हेड ओपन कर लिया कैंटीन एक्सपेंस 500 रुपये, ठीक है। अब न्यूज़पेपर एक्सपेंस फिर आया, न्यूज़पेपर एक्सपेंस, तो न्यूज़पेपर आपका 600, 600 न्यूज़पेपर एक्सपेंस जो ओपन था पहले से, ठीक है। इसी तरह पोस्टेज एक्सपेंस 700, ये भी रिपीट हुआ, तो पोस्टेज एक्सपेंस 23 तारीख को 700, नहीं पोस्टेज पहले से खुला हुआ था, इस तरह ओपन करते रहे। फ्यूल एक्सपेंस भी 900 है, ठीक है, तो फ्यूल एक्सपेंस भी हमने ले लिया, पहले से ओपन था, ठीक है। फिर हमने देखा पोस्टेज एक्सपेंस, ये भी ओपन था 600 रुपये टोटल में, और ये 600 फ्यूल एक्सपेंस 600 रुपये यहाँ इनपुट कर दिए। फिर क्लीनिंग एक्सपेंस, ये भी रिपीट हो रहा है, 650 और 650, ठीक है। लास्ट है फ्यूल एक्सपेंस, नहीं 31 तारीख को फ्यूल एक्सपेंस भी रिपीट हो रहा है। अब देखा, अब ट्रांजेक्शन महीने के महीना एंड हो गया है, टोटल आपका 31 आ गई, अब शाम तक जो एंट्री हो सकी थी कर दी, ठीक है, अब महीना चेंज हो रहा है, ठीक है, क्या किया टोटल कर दिया, सबका टोटल किया, देखो टोटल में कॉलम में आया 17,500 है, और इंडिविजुअल का भी यही आएगा जाहिर है, ये जो 1200 1500 इन दो तीनों का टोटल, चौथों चारों का टोटल कर लिया 3025, ठीक है, इसका भी टोटल कर लिया 212 1825, ठीक है, इन दोनों का टोटल हो गया 1100। फिर ये पोस्टेज का टोटल किया कितना आ गया 7200, 2720, इस तरह ये सब टोटल कर लिया, ठीक है। तो ये टोटल मस्ट बी इक्वल टू ग्रैंड टोटल, ठीक है, इनका टोटल देखा और देखा इससे मैच कर रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 31 तारीख को देखो तो खर्चा कितना हुआ 13,700, राइट। इसका तरीका कार क्या होता है, देखो जब लास्ट में लिखा हुआ है अमाउंट स्पेंट ऑन दिसंबर वास रीइंबर्स, अब कैशियर ने पेटी कैशियर को रिइंबर्स कर दिया इसी बेसिस के ऊपर, 13,700 इसने खर्च किया, देखो रिसीट्स में फिर आ गया 13,700, देखो टोटल 13,700 कैश मिल गया, और ये बैलेंस कैरेट डाउन यानी कि अब नेक्स्ट मंथ के लिए ये बैलेंस फिर 25,000 हो गया, जितना खर्चा किया वो पैसा मिला, और वही 25,000 दोबारा कर दिया, 25,000 जो था यहाँ पर था ये 25,000 है, अब यानी कि ये अब ये कैरेट कैरेट डाउन है, ये इनके ब्रॉड डाउन हो जाएगा जनवरी, इसमें जनवरी 1 में ये चला जाएगा, फिर इसी तरह की स्टेटमेंट यहाँ बनाएंगे इनकी, यहाँ जनवरी 1 लिखेंगे, और ये आप 25,000 आपका ये मिल गया 13,700, फिर ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अरे ये 25,000 जो है ये मतलब फिक्स किए हुए हैं कि इसमें से खर्चा करना है, अगर बच जाएंगे तो मतलब वो रख के अगले महीने के लिए रख देंगे, और अगर खत्म हो जाएंगे तो दोबारा से उसको उतने रख ये देंगे। कंपनी ने ये अज्यूम किया कि तकरीबन 25,000 तक खर्चा होगा महीने का इस मिसलिनियस एक्सपेंसेस में, ठीक है, तो जितना खर्चा वो करेगा ना उतना रीइंबर्स कर देंगे। देखो पूरे महीने में इसने 13,700 का खर्चा किया, तो देखो 13,700 रीइंबर्स कर दिया, ताकि फिर 25,000 लिमिट रख दिए 25,000, फ्यूचर में अगर इस लिमिट को बढ़ाना होगा तो कंपनी फिर बढ़ा देगी, ठीक है, तो यही 25,000 से अब नेक्स्ट मंथ में फिर ये 25,000 से स्टार्ट होगा, जितना खर्चा होगा वही रीइंबर्स हो जाएगा, ये तरीका कार होता है पेटी कैश में, नहीं इसीलिए लास्ट कॉलम में देखो इस सवाल के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि अमाउंट स्पेंड इन दिसंबर वास रीइंबर्स, स्पेंड कितना हुआ था 13,700, तो 13,700 रीइंबर्स किया, वही वापस आपका 15-25,000 दोबारा हो गया, ठीक है। सर सर तो अगर जैसे अभी 13,000 का हुआ है अकाउंट में, लेकिन अगर 25,000 से ज्यादा खर्चा हो जाए तो 25,000 से अगर ज्यादा खर्चा हो रहा है
तो जाहिर है ड्यूरिंग द मंथ ही हो सकता है, ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, फर्ज करो 28 तारीख को 25,000 जब खर्चा पेमेंट करने गए तो पता लगा पैसा तो है ही नहीं, अब तो खत्म हो गया, ठीक है, ऐसी सूरत में कंपनी क्या करेगी, ठीक है, तो कि उसको इसी टाइम पे फिर पैसा थोड़ा दे देंगे कि 28 तारीख को कि ये 2 दिन चला ले, ठीक है, उसको फिर पेमेंट कुछ कर दी जाएगी, दो हजार तो तीन हजार फिर जो दिसंबर फर्स्ट में जो रिसिप्ट में जो पेमेंट लिखी हुई है 25,000, फिर उसको भी चेंज कर देंगे, फिर वो जो टोटल बनेगी उसको उतनी लिख देंगे। हाँ, वो फिर अगर कंपनी ये समझेगी कि ये 25,000 कम पड़ रहा है, इसको अब लिमिट को बढ़ाना चाहिए, तो कंपनी उसको बढ़ा देगी, ठीक है, कि 25,000 के बजाय 30,000 कर देगी, ताकि ये बार बार ऐसा शॉर्ट फॉल नहीं हो, ठीक है, ये शॉर्ट फॉल कम होगा बहुत, लेकिन सम टाइम हो सकता है कुछ अरसे के बाद शॉर्ट फॉल के चांसेस होने लगे, तो कंपनी पहले ही बढ़ा देगी कि भाई 25,000 के बजाय 30,000 कर दो, ठीक है, इस तरह ताकि स्मॉल कैश पेमेंट होती रहे, है इसमें कोई इशू नहीं है कि बढ़ाना पड़े, ठीक है, ये पेटी के देखो अब ये कि मेन कैशियर को वो डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ये छोटी छोटी पेमेंट हो रही है ना, ये पेटी कैशियर एक दूसरा बंदा बैठा हुआ ये काम कर रहा है, क्योंकि ये पेटी कैश के थ्रू चेक नहीं इशू होगा, कैश के थ्रू पेमेंट करनी होगी, इधर काम हुआ है क्लीनिंग किया तो पैसा दे दो भाई, है साबुन मंगाना भाई सोप्स खत्म हो गए, वो गया सोप लेकर आया, ठीक है, 1,000 रुपए के सोप लेकर आया, 2,000 के सोप है, उसी वक्त पेमेंट उसको दे दी, वो तो पैसा लेके जाएगा ना कि भाई मैं जो पैसा दो, तो वो जो उसका सबऑर्डिनेट होगा, ठीक है, इस तरीके से ये पेटी कैश का फंक्शन ये होता है कि स्मॉल पेमेंट, ठीक है, थ्रू कैश, और ये चेक चेक के थ्रू आएगा पैसा इसके पास, जो रिइम्बर्समेंट आएगा वो चेक आएगा उसके पास, उसको वो बैंक में कैश करा लेगा, ठीक है, इस तरीके से ये इसी तरह का सवाल होता है हमेशा, जैसे मैंने आपको समझाया, वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस तरीके से इसको हैंडल करना, आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसका सलूशन और क्वेश्चन में ग्रुप को अपना सीआर को भी सेंड कर दूंगा, वो ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है, क्लियर हो गया ये, यस सर, ठीक है, तो आप देखो ये भी याद रखो कि देखो ये सारी जो क्लास हो रही होती है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कभी क्लास में पहले से नहीं आप लोग स्किप कर जाओ, है आउट हो जाओ, जो पूरी क्लास है 2 घंटे की वो सुनो, और से अगर आप पास होना चाहते हो, ठीक है, अगर मैं समझता हूँ अगर जो स्टूडेंट सीरियस है कि कोई वजह नहीं है कि वो फेल हो, ठीक है, हम हर चीज़ हम आपको कोई चीज़ स्किप नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ आपको डिटेल में समझा रहे हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट कितना है, ठीक है, अगर आपने ये मोटिव रखा हुआ है कि हमें इस एग्जाम में पास होना है, तो आपको बस 4 बजे आ जाओ, 6 बजे तक मौजूद रहो, ठीक है, तो जो बातें हो रही है उसमें सुनो, कोई चीज नहीं समझ आ रही है, यू आर वेलकम टू आस, ठीक है, तो अब सर हमारा ये ये जो लास्ट में हमने बैलेंस लिखा है वो दोबारा से 25,000 लिखना है बस। जी, देखो ये देखो 17,13,700 हुआ ना, इसका मतलब 13,700 खर्चा हुआ, ये देखो चेक उसको मिल गया वापस 13,700 को, तो ये देखो देखो 25,000, देखिए ये देखिए 25,000 माइनस 13,700 प्लस 25,13,700 फिर 25,000, अच्छा अब सर, इसका मतलब मतलब जो जो खर्चा होगा उतना मतलब कैशियर को चेक दोबारा वापस दे देंगे, ताकि वो जो जी रकम थी मंथ के शुरू में ताकि वो दोबारा हो जाए। ताकि सिस्टम चलता रहे, ठीक है, पूरे महीने में जितना खर्चा किया वो उसको चेक दिया गया वापस उसका 25,000 रखिए, क्योंकि 25,000 तो ये रखा हुआ है कि ओपनिंग बैलेंस 25,000 होना चाहिए, जितना खर्चा करेगा वही रिइम्बर्स करेंगे ना उसको, है अगर उसमें जी जी चौबीस सर, हजार खर्चा हो जाता तो उसको फिर जाहिर है 24,000 का चेक मिलता, ठीक है, उसने फौरन कैश कराया और वही 25,000, अब फिर ओपनिंग जनवरी में ये 25,000 से स्टार्ट लेगा और फिर ये सब, और ये देखिए ये जो सब है ये पोस्ट कर दी जाए, अब जब ये जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ये समरी जाएगी, है अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कैशियर ने तो पेमेंट कर दी, और ये जो इसकी प्रिंट आउट वो निकालेगा कैशियर, पेटी कैशियर, ठीक है, वो आपके मेन कैशियर को भेजेगा, मेन कैशियर इस पे स्टैंप मारेगा और आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सेंड कर देगा, तो क्या अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, देखो ये पोस्टिंग कर देगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मैगजीन सब्सक्रिप्शन डेबिट, है ट्रेवलिंग एक्सपेंस डेबिट, देखो फ्यूल एक्सपेंस डेबिट, फ्री टोटल से, अब वो इंडिविजुअल नहीं लेगा, और क्लीनिंग एक्सपेंस डेबिट, ठीक है, ये हेड खुले होंगे जनरल लेजर में, न्यूज़पेपर एक्सपेंस डेबिट बाय 1,000, ये सबको डेबिट किया और कैश क्रेडिट कर दिया 13,700, ये पोस्टिंग कर दी उसने, है उसने फौरन जनरल जेबी बनाई, है जनरल जनरल में पोस्ट कर दिया, ये सारे डेबिट कर दिए एक्सपेंसेस टोटल से, कैश क्रेडिट कर दिए,
ये उसने पोस्टिंग भी कर दी एक ही स्टेप में, है एक इंस्टेड ऑफ कि इतनी एंट्री करता वो कि टोटल सब ले लिया एक ही एंट्री में, ये पूरा महीने की एक्टिविटी ने ना एक ही एंट्री में उसने जनरल जनरल में पोस्ट कर दिया उसको, ठीक है जनरल जनरल में, ठीक है। तो ये आपके स्पेशल जर्नल्स मैंने सारे करा दिए, ठीक है। स्पेशल जर्नल भी देखो एक टॉपिक अभी चैप्टर आएगा आपका बाद में फ्यूचर में, एरर इन अकाउंटिंग है, उसके लिए क्या जरूरी है कि आपका सारे टॉपिक से आप वेरी मच फैमिलियर हो, ठीक है। एरर इन अकाउंटिंग तभी कर सकते हो कि कोई अकाउंटिंग में एरर हो तो उसकी उसकी करेक्शन कैसे की जाएगी, ठीक है। पहले हम सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे, उसके बाद हम एरर इन अकाउंटिंग पढ़ेंगे लास्ट में, ठीक है। तो अब हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है इन्वेंट्रीज, है नाउ वी विल इन्वेंट्री है, स्पेशल जर्नल आपका खत्म हो गया, ठीक है। सर कोशिश ये अलग करेंगे अगर चैप्टर है, सर आप क्या ये अलग कह रहे, चैप्टर है इन्वेंट्री का, जो चैप्टर वो बस अलग है। इन्वेंट्री है इन्वेंट्री को काफी 3 या 4 3 कम से कम क्लासेस में ये इन्वेंट्री कंप्लीट होगा, और उसके बाद हमारा आ जाता है बैंक रिकंसिलेशन है, जिसको कहते हैं फाइनेंशियल एसेट्स है, उसके अंदर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आता है वो पढ़ाएंगे, फिर एरर इन अकाउंटिंग है, ठीक है। फिर शायद एक चैप्टर और आखिरी रहता है डेप्रिसिएशन का, वो पढ़ाना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बच गया ना तो हम कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक से एक रिवीजन भी कर दें, ठीक है, ताकि सारे टॉपिक्स का रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। ये हमें कल आज का लेक्चर कल का लेक्चर एक साथ में कल इंशाल्लाह रात को आप लोगों को ईमेल भी कर दूंगा, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे इन्वेंट्रीज पे, है ये देखो इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज क्विज भी करेंगे, क्विज नंबर 3, ठीक है, क्विज नंबर 3 भी आपके पास आएगा। तो ये देखिए इन्वेंट्रीज ये मैं शेयर करता हूँ, चैप्टर शेयर हो रहा है, देखो जी सर, इन्वेंट्रीज, ठीक है। इसको मैं डिटेल में आपको पहले डिस्कस करेंगे, फिर एक क्वेश्चन मैंने सेंड किया उसको भी देखो, इस चैप्टर को भी समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर देखो एक आपको सिर्फ यहाँ पर ये काम नहीं आएगा सिर्फ, नहीं ये चैप्टर आप जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ोगे ना इंशाल्लाह, नहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो उसमें भी ये चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर आपका इन्वेंट्रीज जो, ठीक है। हम इन्वेंट्रीज का चैप्टर आपको बिल्कुल इस स्टैंडर्ड का पढ़ा रहे हैं कि आपको यही चैप्टर आपके वहाँ भी काम आ जाएगा, कहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ठीक है। तो मैं स्टार्ट ले रहा हूँ, एक गिलास जरा पानी पी लूँ, प्यास लग रही है, एक सेकेंड। हाँ सर सॉरी, देखिए इन्वेंट्रीज एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ये चैप्टर है हमारा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सब सबसे पहले आपको इन्वेंट्रीज डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इन्वेंट्रीज समझो कि इन्वेंट्री किसे कहते हैं, देखिए इन्वेंट्रीज और जो सुनो इन्हें मर्चेंडाइजिंग कंपनी, पहले दो तरह से इन्वेंट्री को डिफाइन कर रहे हैं, पर मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मर्चेंडाइजिंग, यानी कि वो कंपनी को क्या मैं कह रहे हो मर्चेंडाइजिंग, इन मर्चेंडाइजिंग कंपनी इन्वेंट्री इज डिफाइंड एज ऑल गुड्स ओन एंड हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेल टू कस्टमर्स इन एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है इन्वेंट्री। लेके अभी देखिए शायद है का प्यास देखिए इन्वेंट्री शोर नहीं करो, देखिए इन्वेंट्री इन ए मर्चेंडाइजिंग कंपनी
इन्वेंट्री इज डिफाइंड एज ऑल गुड्स ओन एंड हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेल टू कस्टमर्स इन द ऑर्डिनरी ट्रेड। ठीक है, वो तमाम चीजें यानी कि मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री इज डिफाइंड एज ऑल गुड्स ओन कि कंपनी ने ओन किया हुआ है इस पर्पस के लिए कि फॉर द पर्पस ऑफ सेल टू कस्टमर, वो तमाम वो चीजें, वो तमाम आइटम्स, वो तमाम एसेट दैट इज हेल्ड, मोटिव क्या है, टू टू सेल टू कस्टमर इन एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि जो बिजनेस है कंपनी का, जो कंपनी का बिजनेस है, उस बिजनेस के तहत उसने इन्वेंट्री आइटम्स होल्ड किया हुआ है, उसको कहेंगे इन्वेंट्री। लेकिन एक आईएएस है इन्वेंट्री पे और आ रहा है IAS 2, ये इन्वेंट्री की एक ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है, दिस डेफिनेशन इज यूनिवर्सल है। इन्वेंट्रीज देखो, IAS डिफाइंस इन्वेंट्रीज एज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नंबर टू इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल इन द फॉर्म ऑफ मटीरियल्स और सप्लाईज टू बी कंज्यूम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और रेंडरिंग ऑफ सर्विस। इन्वेंट्री की इसने डेफिनेशन तीन दी है, नंबर एक हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स। देखो ये बात कर रहा है एक फिनिश गुड्स की है, यहाँ पर फिनिश गुड्स की बात हो रही जो, और दूसरे उसने बोला इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ये चीज उस इन्वेंट्री की बात हुई जो वर्क इन प्रोसेस में है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी प्रोसेसिंग है सेमी फिनिश्ड पी जो है। और इन थर्ड में क्या कहा, देखो इन द फॉर्म ऑफ मटीरियल सप्लाई टू बी कंज्यूम इन द प्रोडक्शन, देखो इन द फॉर्म ऑफ यानी कि ये उस मटेरियल की बात हो रही है जो स्टोर में रखा हुआ है। फिनिश गुड्स तो हमारा वेयर हाउस स्टोर में होगा ना, फिनिश गुड्स वेयर हाउस में, ये स्टोर इन्वेंट्री की बात हो रही है, वहां मटीरियल भी होगी, सप्लाईज भी होगी, स्पेयर पार्ट भी होंगे, सब ये भी मटीरियल टू बी कंज्यूम इन द प्रोडक्शन। ठीक है, ये डेफिनेशन जो है ये चाहे मर्चेंडाइजिंग कंपनी हो या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, ठीक है, उन सब पे ये अप्लाई हो जाती है ये डेफिनेशन आपकी इन्वेंट्री की, IAS 2 जो कह रहा है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया सबको, बोलो सर। ये थर्ड वाली एक बार रिपीट कर दे। देखो थर्ड वाली देखिए, इन्वेंट्री डिफाइंड एज एसेट विच आर, नंबर थर्ड में देखो, इन द फॉर्म ऑफ मटीरियल्स आर सप्लाइज टू बी कंज्यूम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और रेंडरिंग ऑफ सर्विस। इसका मतलब है कि देखो ये बात हो रही है हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कि ये आपकी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है। देखो एसेट विच आर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स, सेल के लिए ये फिनिश गुड्स है, और ये है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि ये आपकी प्लांट में पड़ी हुई है, अभी प्रोसेस में हो रही है। और थर्ड क्या है, ये वो इन्वेंट्री की बात हो रही है जो कि स्टोर में पड़ी हुई है, अभी इश्यू होगी है, चाहे वो मटेरियल हो या आपकी सप्लाईज हो या जो भी है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन सी जो है ये आपका आपका स्टोर इन्वेंट्री की बात कर रहा है। ठीक है, तीनों को अब जिस ये जो IAS की डेफिनेशन है ये यूनिवर्सल है, मैंने कहा कि ये चाहे वो इन्वेंट्री सेल के लिए रखी है या वर्क इन प्रोसेस में है, ठीक है, या आपकी रॉ मटेरियल्स की शक्ल में, सप्लाईज की शक्ल में, स्टोर के डिपार्टमेंट में रखा हुआ है, वो सब इन्वेंट्रीज है। ठीक है, तो अब आ जाए नेक्स्ट पेज पे। देखो अकॉर्डिंग टू IAS इन्वेंट्रीज शुड बी मेजर्ड फॉर रिपोर्टिंग पर्पज एट द लोअर कॉस्ट एंड नेट रिजल्ट, व्हिच इज लोअर। ठीक है, ये चीज़ आपको इतना इसको मैं आपको समझा दें, लेकिन ये आप समझ लो इसको भी। ठीक है, ये शायद आपके आगे भी काम आएगा बहुत, कि ये भी आपको एक अदर नॉलेज दिया जा रहा है कि इन्वेंट्री जो है ना, हमेशा जैसे किसी इन्वेंट्री की कॉस्ट आ रही है, फर्ज करो आइटम ए उसकी कॉस्ट कितनी है 2000 रुपये, सपोज उसकी क्या वैल्यू है 2000। ठीक है, उसको हमने बेचना है, ठीक है, कॉस्ट कितनी आ रही है 2000। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं ये, इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड इन रिपोर्टिंग पर्पज, अगर बैलेंस शीट में इसको शो करेंगे ना एट द, लेकिन पता लगा कि ये 2000 तो कॉस्ट आ रही है, ये जुमले को देखो समझो, 2000 रुपये इसकी कॉस्ट आ रही है, लेकिन मार्केट में इसकी जो हमने प्राइस है ना 1900 है, 1900, यानी कि 2000 में नहीं ये बेच सकते हैं, कोई पर्टिकुलर ऐसा आइटम हो सकता है उसकी प्राइस जो है 1900, कॉस्ट 2000 है, तो हम उसको बैलेंस शीट में उस इन्वेंट्री को क्या शो करेंगे, 2000 नहीं शो करेंगे, 2000 ही शो कर, 1900 शो करेंगे, क्योंकि वो ऐसे इन्वेंट्री को शो करने का कोई फायदा नहीं ना, कि उतने में भी नहीं बिक सकती है वो, तो इसलिए कहा
अकॉर्डिंग टू ISQ इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड फॉर रिकॉर्डिंग पर एट द लोअर ऑफ कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है कि सेलिंग प्राइस लेस कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं सेलिंग के दौरान, वो माइनस करने के बाद जो बचेगा, ठीक है, उसको कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। विच एवर इज लोअर, जो लोअर होगा, जैसे नेट रियलाइजेबल 1900 आ रहा है, कॉस्ट आ रही है हमारे हिसाब से 2000, तो हम बैलेंस शीट में कितना शो करेंगे, 1900, समझ गए। ये इसलिए कि हमने कंजर्वेटिव अप्रोच से बढ़ा इन्वेंट्री को शो कर रहा है कि जब उतने की बिकी नहीं सकती है कम से कम, तो फिर फायदा क्या, तो फिर हम लोअर कॉस्ट विद, अगर उस कॉस्ट आ रही है 2000 और सेलिंग प्राइस है 2200, तो फिर हम 2000 ही शो करेंगे, फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू उसकी 22200 है, विच एवर इज लोअर, कहने के बाद। वेर एज देखो यहाँ आपको नेट रियलाइज वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ एन एसेट दैट कैन बी रियलाइज अपन द सेल ऑफ एन एसेट लेस ए रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द एवेंचुअल सेल और डिस्पोजल ऑफ एसेट। एनआरवी इज अ कॉमन मेथड यूज टू एवेल्यूएट एसेट वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री अकॉर्डिंग अकाउंटिंग, ठीक है। तो अब देखिए इन्वेंट्री सिस्टम, अब आपको यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है कि इन्वेंट्री के दो सिस्टम होते हैं, क्या है, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है नंबर वन, क्या है, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, और सेकंड है आपका पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है। अब इसको समझना है तुमने, है अब आपने लोगों ने अच्छी तरह समझना है, और ये समझना सिर्फ यहाँ ही काम नहीं आएगा, आगे भी आपको काम आएगा, है अकाउंटिंग के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, परपीचुअल का मतलब इंग्लिश मीनिंग देखोगे कंटिन्यू, पीरियोडिक मतलब गैप के साथ रुक रुक के, है देखो कंपनीज इन्वेंट्री सिस्टम, कंपनी यूज एनी वन ऑफ द टू सिस्टम टू अकाउंट फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। कंपनी जो है ना, ये दो सिस्टम में से कोई सा एक सिस्टम यूज कर रहे होंगे, क्या क्या देखो आपको बताया। देखिए कंपनीज इन्वेंट्री सिस्टम में क्या, देखें कंपनीज यूज एनी वन ऑफ द टू सिस्टम, एनी वन ऑफ द टू सिस्टम्स टू अकाउंट फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नंबर वन परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंड पीरियोडिक, यही दो सिस्टम होते हैं। अब देखिए क्या है परपीचुअल का मतलब, देखिए परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम नंबर वन, इन ए परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कंपनीज कीप डिटेल्ड एंड सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच इन्वेंट्री आइटम परचेज एंड सेल। क्या कहा इसने, इन ए परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कंपनीज कीप डिटेल्ड एंड सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच इन्वेंट्री आइटम परचेज एंड सेल। कहने का मकसद है कोई कंपनी है वहां पर फर्ज करो इन्वेंट्री में 200 इन्वेंट्री आइटम है, यानी कि 200 डिफरेंट इन्वेंट्री आइटम है, इन्वेंट्री ए, इन्वेंट्री बी, इन्वेंट्री सी, इन्वेंट्री डी। कंपनी 200 इन्वेंट्री आइटम के लेजर खोलेगी है, स्टोर में ये सारे ओपन होंगे। देखिए इन्हें परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कंपनीज कीप डिटेल एंड सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच इन्वेंट्री आइटम परचेज, हर इन्वेंट्री आइटम की परचेज किया तो डेबिट करेंगे, सेल करेंगे तो क्रेडिट करेंगे कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। रिकॉर्ड शो कंटिन्यूअसली, रिकॉर्ड शो कंटिन्यूअसली शो द इन्वेंट्री दैट इज ऑन हैंड फॉर एवरी आइटम। इसका फायदा क्या होगा, चाहे 200 आइटम है, अगर स्टोर मैनेजर या प्रोक्योरमेंट मैनेजर या कमर्शियल मैनेजर अगर उसको जरूरत होगी कि इन्वेंट्री फर्ज करो इन्वेंट्री जेड कितनी है इस वक्त पड़ी हुई है, हाउ मच क्वांटिटी इज इन हैंड, राइट, वो फॉरन कंप्यूटर में देखेगा उसको पता लग जाएगा। नहीं क्यों, उसको जरूरत है क्योंकि वो प्लानिंग कर रहा है ना परचेज की, जहां इन्वेंट्री शॉर्ट हो रही होगी फौरन वो ऑर्डर प्लेस कर देगा, ठीक है। तो क्या देखो रिकॉर्ड्स शो कंटिन्यूअसली
विच शो द इन्वेंट्री दैट इज ऑन हैंड फॉर एवरी आइटम, फॉर एवरी आइटम। ठीक है, देखिए पर फीचर इन्वेंट्री सिस्टम में क्या है, देखिए इन पर फीचर इन्वेंट्री सिस्टम कंपनी कीप डिटेल एंड सेपरेट रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच इन्वेंट्री आइटम पर रिकॉर्ड्स कंटिन्यूअसली शो द इन्वेंट्री दैट इज ऑन हैंड फॉर एवरी आइटम अंडर द परफ्यूजन इन्वेंट्री सिस्टम ए कंपनी डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ईच टाइम सेल इज बिग। जब भी सेल होगी कंपनी फॉरन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी उस पर्टिकुलर आइटम की और क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएगा उसका। ठीक है, क्लोजिंग सेल होगी तो स्टॉक माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक रिड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली एट द टाइम ऑफ परचेज कंपनी आल्सो डिटरमिन द टोटल रिसीट्स एंड क्लोजिंग स्टॉक फिर इंक्रीज हो जाएगा। परचेज होगा तो स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, सेल होगा तो स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज हो जाएगी। राइट, ये परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम का मकसद है कि यहाँ पर ये परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम एक जो बिग ऑर्गेनाइजेशन है वो ये काम कर रहे थे, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम मेंटेन करती कंपनी है जो बिग ऑर्गेनाइजेशन है। राइट, अब पीरियोडिक की बात करते हैं, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम क्या है। ठीक है, नाउ वी टॉक टू पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। देखिए पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, इन ए पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम कंपनी डू नॉट कीप डिटेल एंड सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच इन्वेंटरी आइटम परचेज। कंपनी नहीं रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, इन ए पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम कंपनी डू नॉट कीप डिटेल एंड सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच इन्वेंटरी आइटम्स का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती कंपनी, ना परचेज का ना सेल का। इंस्टेड कंपनी क्या करिए, इंस्टेड बजाय इसके कॉस्ट ऑफ ईच इन्वेंटरी आइटम परचेज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ठीक है, हम जब भी परचेज करते हैं तो हमने एक अकाउंट ओपन किया हुआ है परचेजेस, इसी में डेबिट कर रहे हैं, चाहे एक्स खरीद रहे हैं, वाई आइटम खरीद रहे हैं, जेड खरीद रहे हैं, वहां तो हर आइटम इन्वेंट्री में उस पर्टिकुलर इन्वेंट्री में डेबिट हो रहा है ना, यहाँ पर एक ही अकाउंट खुला हुआ है परचेजेस, परचेजेस अगर पीरियोडिक है। देखिए इन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम कंपनी डू नॉट कीप डिटेल एंड सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच इन्वेंट्री आइटम परचेजेस, इंस्टेड कॉस्ट ऑफ आइटम्स परचेज आर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट बस रादर देन टू इन्वेंट्री अकाउंट। दे डिटरमिन द क्लोजिंग स्टॉक। अब बताओ कि जब इन्वेंट्री का अकाउंट खुला ही नहीं हुआ है तो परचेजेज में डेबिट हो रहा है, परचेजेज में डेबिट हो रहा है, तो हमें ये मंथ एंड पे हमें क्लोजिंग स्टॉक चाहिए होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे कंपनी लेगी, रिकॉर्ड से तो मिल नहीं सकता, रादर देन इन्वेंट्री अकाउंट। ठीक है, दे डिटरमिन द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओनली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि एट द एंड ऑफ द मंथ थ्रू द हेल्प ऑफ फिजिकल स्टॉक टेकिंग, थ्रू द हेल्प ऑफ फिजिकल स्टॉक टेकिंग। हम बाकायदा काउंट करेंगे, अगर पीरियोडिक है हमें एंडिंग इन्वेंट्री चाहिए तो एक एक आइटम गिना जाएगा स्टोर में या डिपार्टमेंट में कितना रखा हुआ है, गिन के और उसको फिर वैल्यू कर देंगे तो हमें इस तरह क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, और टोटल अवेलेबल में से जब क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपने मर्चेंडाइजिंग में पढ़ा ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, इस तरह ये परचेजेस तो रिकॉर्ड हो रही है, टोटल अवेलेबल लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक फिजिकल लिया उसको वैल्यू कर दिया, वैल्यू किया उसको माइनस कर दिया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। तो ये पीरियोडिक सिस्टम में ये, ठीक है, तो दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो आप जो आपको क्लियर हो गया दोनों परपेचुअल और पीरियोडिक। सर दोनों को एक बार ना डिफरेंस करके बता दें कि उसमें और इसमें थोड़ी सी मतलब चेंजिंग, जो इसमें तो मतलब पीरियोडिक में वो चीजें जो हमने सेल की होंगी वो और जो हमारे पास पड़ी होंगी उनको मतलब टोटल करके फिर उसका निकालेंगे कि हमारे पास कितना मतलब चीजें हैं देखे? हमारे पास। देखो पीरियोडिक परपेचुअल में तो हमारे पास फर्ज करो 100 इन्वेंट्री आइटम है, डिफरेंट इन्वेंट्री आइटम है, कहने का मकसद हम जब भी परचेज करेंगे कि देखेंगे भाई ये इन्वेंट्री कौन सी कौन सा आइटम परचेज किया, हम उसने कहा भाई ये इन्वेंट्री आइटम नंबर 20 तो 20 में ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, जब सेल अगर हुआ 20 का तो 20 में से क्रेडिट होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब पीरियोडिक में क्या करेंगे, हम जब भी परचेज करेंगे इन्वेंट्री में डेबिट ही नहीं कर रहे हैं, परचेजेस अकाउंट एक खुला हुआ है उसमें डेबिट कर रहे हैं। जब
भी पर चाहे ए खरीदा, बी खरीदा, सी खरीदा, डी आइटम खरीदा, एफ खरीदा, जेड खरीदा, एक ही अकाउंट खुला हुआ है, परचेजेस, परचेजेस में डेबिट कर दिया, अमाउंट जो आ रहा है अमाउंट से डेबिट कर दिया, सिर्फ अमाउंट से, ठीक है। वहां तो इन्वेंट्री लेजर खुला हुआ है ना, जिसके अंदर हमारे पास इन्वेंट्री लेजर की अभी शक्ल भी बताते हैं आपको, ठीक है। उसमें डेबिट करने की बजाय बस परचेजेस के में अमाउंट डेबिट कर रहे, ठीक है। मंथ एंड में क्या किया, मंथ एंड में हमने फिजिकल स्टॉक टेकिंग की कि हमारे पास अब बच कितना गया, जब काउंट कर लिया तो प्राइस तो हमारे पास मौजूद है, परचेज कर रहे हैं हम, इनवाइस में अंदर प्राइस बढ़ी हुई है तो हमने उससे मल्टीप्लाई करके वैल्यू कर दिया, तो फिर टोटल अवेलेबल ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस टोटल अवेलेबल लेस क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन, ये माइनस किया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई, है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की भी वैल्यू आ गई, इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक की भी वैल्यू आ गई, और फिर हमने स्टेटमेंट वगैरह बना लिया है उसकी मदद से कि हमें ओपनिंग स्टॉक भी चाहिए, क्लोजिंग भी चाहिए, क्लोजिंग ले लिया और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकाल लिया हमने, ठीक है, पीरियोडिक के अंदर, और परपेचुअल में तो कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये देखिए अब सवाल ये है यहाँ तक तो आई होप के सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब हमारा जो है कि जब हम इशू करते हैं ना, है जब हम इशू करते हैं ना, अब देखो एक गौर से गौर बात सुनो, जब हम आइटम इशू करते हैं यानी कि सेल कर रहे हैं आइटम की, सेल कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस तो आ जाएगी लेकिन हम सेल जब कर रहे हैं तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी है उस आइटम की। तो अब ऐसा भी होगा प्रैक्टिकली, तो ये देखो आपको अंदाजा है आपको अच्छी तरह पर्सनल एक्सपीरियंस से कि सेम आइटम है, सेम आइटम इज परचेज एट डिफरेंट रेट्स। आज हमने एक आइटम परचेज किया, पता लगा उसकी कीमत है 5 रुपए, है 10 दिन बाद खरीदेंगे तो पता लगा वो हो गया 6 रुपीज, है या 5.5 रुपीज, ठीक है। प्राइस बढ़ती रहती है ना, नॉर्मली इंक्रीज होती रहती है प्राइस, सेम आइटम हमने 5 रुपए का भी खरीदा, बाद में 5.5 रुपए का खरीदा, फिर 6 रुपए का भी खरीदा, बाद में और प्राइस बढ़ गई। अब इशू कर रहे हैं, अब हम इशू कर रहे हैं यानी कि सेल कर रहे हैं, तो सेल करेंगे तो आप प्राइस कौन, रेट कौन सा ले, 6 रुपए में भी खरीदा, 650 रुपए में भी, 650 में भी खरीदा, 7 रुपए में भी खरीदा, आप किस कौन सा रेट लगाएं भाई, 6 रुपए वाला लगाएं, 6.5 रुपए, 7 रुपए वाला लगाएं, प्रॉब्लम ये। तो इसके लिए क्या है, मेथड्स ऑफ प्राइसिंग इन इशुएंस, हमने क्या ये मेथड निकाल लिया है कि हम सर आवाज नहीं आ रही आप। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। सर स्क्रीन भी चली गई है यार। हाँ यार पता नहीं मसला है सर का शायद।
ठीक है कर दिया। अब क्लियर है, अब आ रही है, अब सही। यस सर आ रही है आवाज। अब हाँ आ रही, आ रही आवाज, आ रही है सबको? यस सर आ रही आवाज। अभी आवाज अभी नहीं आ रही थी मेरी। थैंक यू यार, आ रही है सर, स्क्रीन नहीं आ रही। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा अभी इससे पहले आवाज नहीं आ रही थी? सर कहानी स्क्रीन शेयर कर लें। एक सेकंड, चले ये अब स्क्रीन शो हो रही है ना? ये सर मैंने ऑफ कर दी थी, दोबारा ऑन करें इसको सर, ऑफ करके। सही है? नहीं आ रही सर। चले नहीं सर, अभी स्क्रीन नहीं, सर अभी शो नहीं हो रही, दोबारा इसको स्टॉप करके दोबारा ऑन करें। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। अब देखें, अब ये सर हो गया। थैंक यू। काइंडली स्टूडेंट्स अपने माइक ऑफ कर दिया करें, जो भी क्वेश्चन आंसर आपके होते हैं उसके बाद अपना माइक प्लीज ऑफ कर दिया करें। थैंक यू। चले भाई, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, हम ये डिस्कस कर रहे थे। देखिए इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे फिर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। अंडर फीफो है, अब ये किस पे बात हो रही है? वो परपेचुअल पीरियोडिक तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम इशू के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारा जो है कि किस बेसिस पे करेंगे। देखिए ये बात की थी ना हमने, देखो मेथड्स ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इशूड सोल्ड, जो इशूड सोल्ड कर रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं उस पे मैथ, कौन सा आप फीफो यूज करें, लीफो यूज करें या वेटेड एवरेज, प्राइस कौन सी ले हम, ये कहने का मकसद है, पुरानी वाली, नई वाली या एवरेज वाली। देखो तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या है, अंडर फीफो इट इज अज्यूम दैट आइटम्स परचेज फर्स्ट आर सोल्ड आर इशूड फर्स्ट। कहने का मकसद है सेम आइटम है, जैसे एक फर्ज करो एक कंपनी है, इम्तियाज स्टोर है, वो एक पर्टिकुलर आइटम ले लो, सपोज ब्लू बैंड मार्जरीन है, प्रैक्टिकल बात करते हैं, ब्लू बैंड मार्जरीन है, इसका इन्वेंट्री लेजर ओपन है, ठीक है। अब वो ब्लू बैंड मार्जरीन कंपनी जो है ना, इम्तियाज स्टोर ने आज खरीदा, 15 दिन पहले खरीदा था है, मार्केट से या होलसेलर से, फर्ज करो वही पर्टिकुलर आइटम
ब्लू बैंड मार्जरीन 300 रुपये का, एक हफ्ते के बाद जब ख़रीदा तो 305 रुपये का, 15 दिन के बाद ख़रीदा 310 रुपये हो गया, 320 रुपये हो गया। अब वो इशू कर रहा है, यानी कि सेल हो रही है उसकी, तो अब क्या करेंगे, जो सबसे पुराना स्टॉक है ना उस पर 305 रेट लगा हुआ है, उसके बाद वाले पे 310 रुपये लगा हुआ है, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, अंडर द फीफो इट इज अज्यूम दैट आइटम्स परचेज फर्स्ट, देखेंगे फर्स्ट इसका मतलब सबसे पुराना, उसका रेट क्या है 305। कंपनी ने वहां से इशू किया कि 305 है। अब 305 रेट पे कंपनी ने परचेज कितने किए थे, 50 परचेज किया था, 50 आइटम परचेज किया था 305 पे, तो जाहिर है कंपनी 305 अब बेच कितना कर रहे, 50 परचेज किया था और अभी सेल हो रही है 55 की, उससे ज्यादा की, तो क्या करेंगे 50 पे तो रेट लग जाएगा आपका 305 का, और बाकी जो 5 है उसके बाद की जो परचेज होगी उसका रेट लग जाएगा, उसके बाद का रेट है 310, 5 जो होंगे वो 310 रेट लग जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, अंडर द फीफो इट इज अज्यूम दैट आइटम्स परचेज फर्स्ट आर सोल्ड आर इशूड फर्स्ट दैट इज फ्रॉम द ओल्डेस्ट परचेज, दस एंडिंग इन्वेंट्री इज कम्पोज ऑफ लास्ट गुड्स दैट वर परचेज इन दिस मेथड, ईच परचेज रिकॉर्ड इज केप्ट सेपरेटली विद इट्स परचेज प्राइस, वो जो एक ही लेजर के अंदर हर रिकॉर्ड को सेपरेट रखेंगे कि जो जो परचेज हो रहा है, वही आइटम ब्लू बैंड मार्जरीन आज परचेज किया 550, उसका रेट था 300 रुपये, फिर थोड़े दिनों के बाद परचेज किया 100, उसका रेट था 305, वो अलग रिकॉर्ड उसमें मेंशन है, ठीक है। फिर परचेज किया 100 और उसका रेट है 310, वो भी रिकॉर्ड मेंटेन है। ये कहने का मकसद है, इन दिस मेथड ईच परचेज रिकॉर्ड इज केप्ट सेपरेटली विद इट्स परचेज प्राइस, एवरी पीस सोल्ड या इशूड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इशूड सोल्ड या इशूड टू प्रोडक्शन है, यानी कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मटेरियल इशू कर रहा है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ लिखा हुआ है इशू टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए पर्टिकुलर परचेज रिकॉर्ड अंटिल नो क्वांटिटी इज लेफ्ट फ्रॉम दैट रिकॉर्ड एंड देन नेक्स्ट परचेज रिकॉर्ड इज कंसिडर्ड। अब बताओ ये पेज सबको क्लियर हो गया, सर वन मोर टाइम समझा दें एक दफा, क्या कह रहे हो सर एक दफा और समझा दें। अच्छा देखिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अंडर फीफो इट इज अज्यूम दैट आइटम्स परचेज फर्स्ट आर सोल्ड आर इशूड फर्स्ट, ठीक है। एक पिक पर्टिकुलर आइटम की बात हो रही है, हर आइटम के लिए, उसमें 100 आइटम है उसकी इन्वेंट्री खुली हुई है, अब हम जो आइटम बेच रहे हैं ना वो देखेंगे कि अंडर फीफो इट इज अज्यूम दैट आइटम्स परचेज फर्स्ट, यानी कि सबसे पुराना पहले बेच रहे हैं, आर सोल्ड आर इशूड फर्स्ट दैट इज फ्रॉम द ओल्डेस्ट परचेज द एंडिंग इन्वेंट्री, जब हम जब पुराना माल पहले बेच रहे हैं तो इसका मतलब एंडिंग इन्वेंट्री जो होगी वो लेटेस्ट आइटम्स होगी, करंट परचेज जो होगी वो इन्वेंट्री में बचेगा, ठीक है। इन दिस मेथड ईच परचेज रिकॉर्ड इज केप्ट सेपरेटली विद इट्स परचेज प्राइस, एवरी पीस सोल्ड और इशूड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सोल्ड या इशूड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए पर्टिकुलर परचेज रिकॉर्ड अंटिल नो क्वांटिटी इज लेफ्ट फ्रॉम दैट रिकॉर्ड एंड देन नेक्स्ट परचेज रिकॉर्ड इज कंसिडर्ड, है इस जुमले का पूरा मतलब क्या है, ठीक है। एवरी पीस सोल्ड सब्ट्रैक्टेड टू प्रोडक्शन या सब्ट्रैक्टेड टू आर इशूड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए पर्टिकुलर परचेज रिकॉर्ड, इसका कहने का मकसद है कि जो रिकॉर्ड होंगे ना उसके अंदर उसी सेम इन्वेंट्री आइटम है, एक रिकॉर्ड है जो फला तारीख को हमने परचेज किया है 100 आइटम एट द रेट ऑफ, फिर वही आइटम हमने परचेज किया फला तारीख को एट द रेट ऑफ सोन, फिर उसके बाद फिर हमने परचेज किया इतने आइटम एट द रेट ऑफ द, ये कहने का मकसद है फ्रॉम ए पर्टिकुलर रिकॉर्ड। तो जब हम इशू कर रहे होंगे हम देखेंगे सबसे पुराना रिकॉर्ड कौन सा है, वो देखा वो है सबसे पुराना रिकॉर्ड सबसे पहले लिखा होगा, ठीक है, उसमें से हम क्वांटिटी सोल्ड माइनस करेंगे, ठीक है। हाँ क्वांटिटी सोल्ड उससे ज्यादा है तो पहले तो वो खत्म करेंगे, उसके बाद बाकी क्वांटिटी हम दूसरे रिकॉर्ड से ले लेंगे, है उसके बाद हम दूसरे रिकॉर्ड से ले लेंगे, उसके बाद तीसरे रिकॉर्ड से ले लेंगे, फिर अगर बचा, ठीक है, इस तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है। आप लीफो ले लो,
लीफो पे आ जाइए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गया, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट है, इसको शॉर्ट में लीफो कहते हैं, अंडर लीफो, लीफो है लास्ट इन फर्स्ट आउट, देखो लास्ट इन फर्स्ट आउट, आइटम्स परचेज लास्ट है, यानी कि सबसे आखिर में जो परचेज कर रहे हैं वो पहले इशू हो रहा है, यहाँ लॉजिक ये देखो, अंडर दिस लीफो इट इज अज्यूम दैट आइटम्स, देखिए दैट आइटम्स परचेज, देखो इट इज अज्यूम दैट आइटम्स परचेज लास्ट आर सोल्ड आर इशूड फर्स्ट, दैट इज फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट परचेज, है आइटम्स परचेज लास्ट, आखिर में जो परचेज कर रहे हैं जब हम इशू कर रहे हैं या सोल्ड कर रहे हैं तो हम उसमें से कर रहे हैं, या ये अजम्पशन है, नया माल पहले बेच रहे हैं पुराने माल के बजाय, ये अजम्पशन रखा हुआ है, दस एंडिंग इन्वेंट्री जो होगी वो फर्स्ट ओल्डेस्ट आइटम एंडिंग इन्वेंट्री में पुराना माल बचा हुआ, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इन दिस मेथड ईच परचेज रिकॉर्ड इज कैप्ट, इसमें भी इसी तरह रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होगा, विद इस परचेज प्राइस एंड एवरी पीस सोल्ड इशू टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पर्टिकुलर, वही जुमला अंटिल नो क्वांटिटीज, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा होगा, हम वहां पर बॉटम से हम इशू कर रहे हैं जब सेल कर रहे हैं पुराना माल पहले बेच रहे हैं, यहाँ टॉप से ले रहे हैं, टॉप टू बॉटम यहाँ जा रहा होगा, इश्यूएंस कैसे हो रही होगी, टॉप टू बॉटम, लास्ट इन फर्स्ट आउट में बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहां पर टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं, देखो लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट लास्ट इन फर्स्ट आउट है यहां पर, राइट ये फर्क है दोनों में। तो अब तीसरा है, अभी हम वो फॉर्मेट भी बताएंगे तो आपको और क्लियर होगा, फिर क्वेश्चन डाउट नहीं है बल्कि क्या है, मिक्स लॉट है, ठीक है, मिक्स लॉट क्वांटिटीज को हमने मिक्स किया हुआ समझो, जब हम इशू कर रहे हैं ना मिक्स, चाहे पहले खरीदा हो या बाद में खरीदा हो वही आइटम की बात हो रही, हमने इशू कर रहे हैं मिक्स लॉट से, अंडर द एवरेज कॉस्ट मेथड इज यूज्ड एन एवरेज, देखो अंडर एवरेज इट इज अज्यूम दैट आइटम्स ईच सेल इशू इज मेड फ्रॉम द स्टोर रूम फ्रॉम द मिक्स क्वांटिटीज, या समझो मिक्स कर दिया सबको एक साथ रखा हुआ, सेम आइटम वहां पर, सेम आइटम को एक साथ नहीं रखा हुआ, आगे पीछे रखा हुआ है, नया माल आ रहा है तो पीछे रख रहे हैं, अगर अगर आपका जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, ठीक है, देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आइटम्स परचेज फर्स्ट आर इशूड फर्स्ट, नया माल होएगा है, जब नया माल आएगा तो हम पीछे रखेंगे ताकि पुराना माल आगे रहे, अगर फीफो मेथड है फिजिकली भी हैंडल करना है, और लीफो मेथड होगा तो हम नया माल आगे रखेंगे पुराना माल पीछे रखेंगे, क्योंकि नए माल से इशू करना है आसानी से, और मिक्स एवरेज मेथड होगा तो डंप कर देंगे एक ही जगह पर, एक ही खाने में सब नया पुराना माल रख दिया है, यानी कि एक ही आइटम की बात हो रही है, ठीक है, व्हेन द एवरेज कॉस्ट मेथड इज यूज्ड एन एवरेज यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच आइटम इज कैलकुलेटेड ईच टाइम परचेज, यहाँ पर जब एवरेज मेथड होगा तो हम जब भी परचेज करेंगे तो वेटेड एवरेज रेट भी निकालेंगे साथ में, वहां तो रेट सेपरेट लिखे हुए ना, यहाँ पर हर बारी रेट को भी एवरेज कर देंगे, कि पिछला रेट पिछली वैल्यू प्लस करंट वैल्यू टोटल किया, पिछला क्वांटिटी और अब की क्वांटिटी दोनों को जमा किया और डिवाइड कर दिया तो एवरेज रेट आ जाएगा। तो देखिए ये देखिए क्या कह रहे हो, देखिए यहाँ लिखेंगे देखो इन्वेंटरी लेजर, अबे 6 बजे दुकानें बंद हो जानी, अबे सलीमू क्या करेगा, अबे भाग चल निकल चल चले भाग चले, देखिए ये हर आइटम का लेजर मेंटेन किया हुआ है, देखो इन्वेंटरी लेजर जैसे यहाँ लिखा हुआ है ब्लू बैंड मार्जरी फीफो, ठीक है, ये देखो अबे तो ये अल्लाह पूछे सलीम, ये कुत्ता काटे, देखो रिसीट्स का कॉलम, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का कॉलम, क्लोजिंग स्टॉक का कॉलम, एक ही लेजर में खुला हुआ, और इसके तीनों सब कॉलम है, तो घर का माल है, देखिए रिसीट्स का मतलब परचेज, देखो क्वांटिटी, ये देखो यहाँ डेट आ जाएगी, डेट वर्षा में वेलो, फिर सानू असी चुप करके बैठे हैं, फिर कटवा कह के सानू, फिर भाई खामोश रहो, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, साइलेंट वन डे, डेट भी वांडे हैं, अपने लेवल पे लाके वांडा करना चाहते हैं, रेट अमाउंट है आज की डेट में परचेज का लेवल बहुत छोटा है, अगली बात करो, फर्स्ट करो आज फर्स्ट है,
फर्स्ट का तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉप होगा, अब हमने सेकंड को परचेज किया। ओए ओए पड़ो ओए ओए आगे ओए चिंगो आगे ओए आगे ओए आज बता मुझे क्या बनना करके रहा है की शुरू हो गया ये हो गया और मैं अपने मोशन को ये तो तू खराब हो खराब पे पड़ जाएगी ओए ओए हाँ ये वालेकुम सलाम, ये कुछ स्टूडेंट शोर कर रहे हैं, इनको कर दें म्यूट कर दें बिल्कुल। अच्छा देखिए कि ये देखो इन्वेंट्री लेजर हम बात कर रहे थे, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है। देखिए ये इन्वेंट्री लेजर मेंटेन होगा परपेचुअल सिस्टम में, देखो इन्वेंट्री लेजर है, यहाँ पर नाम भी लिखेंगे, हर इन्वेंट्री का आइटम आएगा, जैसे ब्लू बैंड मार्जरीन, मेथड कौन सा है फीफो, देखो यहाँ पर लिखा है, देखो डेट रिसीट्स, रिसीट्स का मतलब परचेजेस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक। अब जैसी कोई चीज परचेज करेंगे ना तो हम यहाँ पर रिसीट्स के कॉलम में आएगा कितनी सेम है, जैसे ब्लू बैंड खरीद रहे कितना खरीदा भाई 50, यहाँ लिखा देखो यहाँ आ जाएगा 50, इस कॉलम में देखिए यहाँ 50 आ जाएगा। किस रेट पे खरीदा भाई, एक इसका रेट है कितना 200, यहाँ पर 200 प्राइस आ जाएगी, ठीक है। अब 50 खरीदा, 50 × 200 ये अमाउंट आ जाएगा टोटल, यहाँ पर अमाउंट का मतलब टोटल अमाउंट, क्वांटिटी कितनी है 50, रेट कितना है 200, तो 50 × 200 ये अमाउंट आ गया, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक चेंज हो जाएगा ना, देखिए क्लोजिंग स्टॉक आज की डेट में पहले से भी कुछ पड़ा हुआ है, मिक्स नहीं करेंगे दोनों को, जमा नहीं करेंगे, वो स्टॉक अपना पुराना जो है और ये आज खरीदा है ये इधर शो हो रहा होगा, वो पुराना जो पहले से खरीदा है वो रिकॉर्ड अलग मेंटेन हो रहा होगा, उसका बैलेंस आ रहा होगा इसके ऊपर, ठीक है। इस तरह ये चलता रहेगा, ठीक है। जब इशू करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो इशू का अगर फीफो मेथड है तो पुराने में से पहले इशू करेंगे, जो सबसे पुराना माल होगा, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, इस तरीके से ये है। और ये लेजर कॉमन मेंटेन हो रहा होगा, ठीक है। बस यहाँ पर लीफो आ जाएगा या एवरेज आ जाएगा, फिर नेम ऑफ आइटम्स होगा हर आइटम को, जब आपको एग्जाम में अगर सवाल आएगा तो एक पर्टिकुलर आइटम का सवाल होगा कि भाई ये आइटम है आपनी कंपनी मेंटेन कर रही है और ये एंट्रीज हुई है, सेल हुई है, ये परचेजेस हुई है, आप बताइए एंडिंग इन्वेंट्री क्या बचेगी और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या बचेगी, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की टोटल वैल्यू पूरे महीने की क्या आएगी, ये सवाल होगा ऐसा, ठीक है। अब देखिए अब हम आ जाते हैं अभी पीरियोडिक मेथड को भी पढ़ लें, फिर हम सवाल करते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। आज पीरियोडिक मेथड पे आ गए, इसको समझ लो एक ही पेज पे, डिटरमिनेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड व्हेन कंपनी मेंटेन्स पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। देखिए पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम अगर मेंटेन कर रही है तो कैसे करेंगे, फॉलोइंग स्टेप्स आर मेड। देखो ओपनिंग इन्वेंट्री है, ये समरी बनानी पड़ेगी, देखिए देखो ओपनिंग इन्वेंट्री, देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, पिछले साल की क्लोजिंग, इस मंथ की ओपनिंग, एड टू गुड्स परचेजेस, जो हमने बताया था ना टोटल जो परचेज कर रहे हैं एक ही अकाउंट में आ रहा है, परचेजेस पूरे महीने की, जैसे इन्वेंट्री में सारे आइटम की मिला के इन्वेंट्री आई हमारी 10,000, परचेजेस कितनी की 1.5 लाख, तो 10,000 जमा 1.5 लाख 1,60,000 ये हो गया, ठीक है। आप फिजिकल किया है, फिजिकल किया हमने, राइट, तो फिजिकल किया तो देखा कि भाई फिजिकल वो आइटम को हमने काउंट किया और फिजिकल उस पर रेट अप्लाई कर दिया है, उस पर रेट अप्लाई कर दिया तो पता लगा कि उसकी हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है, फिर एंडिंग इन्वेंट्री की वो इसमें से माइनस कर दिया तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, इस तरीके से निकालते, ठीक है। टोटल ये परचेजेस में चाहे एक्स खरीदा वाई खरीदा सब इसमें डेबिट हो रहा, इसी ओपनिंग में भी मुख्तलिफ किस्म के आइटम्स आ रहे हैं, ठीक है। और जब फिजिकल जब मंथ एंड हुआ उनकी स्टॉक टेकिंग की, हर आइटम की स्टॉक टेकिंग की और उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दिया है,
और रेट कौन सा लेंगे वही फीफो लीफो एवरेज के बेस पे, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर नोट, फिजिकल एंडिंग इन्वेंट्री इज वैल्यूड बाय द रिस्पेक्टिव एनी मेथड ऑफ डिफाइंड अबव फीफो लीफो एवरेज के हिसाब से हमने रेट अप्लाई कर दिया और फिर उसके ऊपर वैल्यू कर दिया, उसका क्लोजिंग स्टॉक हो गया, इसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकल आया और हो गया। तो ये अब हमें आपको इससे लिंक करता हूँ आपको क्वेश्चन में आपको सेंड जो किया ना इससे आपको और क्लियर हो जाएगा है। अभी कोई क्वेश्चन है तो बताओ, एनी क्वेश्चन बोलो। जी सर आ रही है आवाज। अरे देखिए सर आ रही है, है ये क्वेश्चन देखो शेयर किया मैंने, ठीक है ये मैं यहाँ पर आपको शो भी कर रहा हूँ, क्वेश्चन शेयर हो रहा है ना। जी सर ठीक है, ये व्हाट्सएप भी किया है। ये क्वेश्चन एक है परपेचुअल सिस्टम है, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन शोइंग द शो द परचेज एंड सेल ऑफ पर्टिकुलर आइटम ब्लू बैंड मार्जरीन ड्यूरिंग मंथ ड्यूरिंग मई 2019 ऑफ ईस्टर्न डिपार्टमेंटल स्टोर। देखिए ओपनिंग बैलेंस है मैं फर्स्ट को 900 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 300 है पर्टिकुलर, परचेजेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई देखो 4th मई को परचेज किया है 150 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 310, फिर 10th मई को परचेज किया है 140 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 314, फिर 20th मई को परचेज किया है 170 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 318, ठीक है और सेल मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई देखो सेल हुई है 9th मई 130 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 330 है। ये देखो ये रेट हम लेजर में नहीं ले जाएंगे, ये तो सेलिंग रेट है। और 15th मई को ले गया 170 यूनिट सोल्ड हुआ है एट द रेट ऑफ 335, 24th को 185 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 340, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर द मंथ ऑफ मई, ठीक है फॉर द मंथ ऑफ मई, यहाँ जुलाई लिखा हुआ है मंथ, फॉर द मंथ ऑफ मई, ठीक है एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंडिंग इन्वेंट्री है ऑन 30th मई, ठीक है ऑन 30th मई, ठीक है ये निकालना। अब देखो मैंने लेजर आपको बताया था, परपेचुअल होगा तो वो सिस्टम वो लेजर मेंटेन करेंगे, ठीक है बाय द फॉलोइंग मेथड, पहले देखो फीफो मेथड, ठीक है फिर लीफो मेथड से सॉल्व करना है, फिर एवरेज मेथड, सेम क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है तो आप तीनों फिर समझ जाओगे। और बी पार्ट भी है, नोट अज्यूमिंग देयर कंपनी यूजेस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ये आपको बता दिया, देखो यहाँ पर भी बता दिया कंपनी यूजेस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है तो इसका मतलब वो लेजर बनेगा हा? और व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट अंडर ईच मेथड, ये भी बताना आपको बी पार्ट में। तो पहले हम ए पार्ट करते हैं, पार्ट वन का ए पार्ट फीफो मेथड, ठीक है अब ये क्वेश्चन आपके सामने है और ये आपके पास व्हाट्सएप पे भी है। अब देखो अब हम याद रखो कि लेजर में जब एंट्री करेंगे ना तो डेट वाइज करेंगे, का मतलब क्या है देखो ओपनिंग बैलेंस पहले लिखा, फिर परचेज हो रही है 4th को परचेज हो रही है तो 4th का ट्रांजेक्शन, फिर 10th को परचेज हो रही है लेकिन उससे पहले सेल हो रही है 9th को सेल हो रही है, इसका मतलब 4th के बाद 4th जब 4th की एंट्री करेंगे ना परचेजेस की तो फिर हम 9th की एंट्री करेंगे, डेट वाइज चलना याद रखो, डेट कौन सी आ रही है नेक्स्ट डेट क्या, 4th के बाद सेल हो रही है फिर सेल के बाद फिर परचेज हुई है, परचेज के बाद देखो फिर परचेज हो सकती है लेकिन परचेज के बाद देखो 10th के बाद सेल हुई है 15th को ये एंट्री की, फिर 15 के बाद 20th की परचेज हुई है और फिर 24th की सेल हुई, ये अल्टरनेटिव हो रहा है, जरूरी नहीं है एक ही साथ दो दफा परचेज भी हो सकती है, डेट देखना है कौन सी डेट पहले आ रही है वो एंट्री करेंगे। तो फीफो मेथड है, इस सवाल को पहले हम सॉल्व कर रहे हैं किस मेथड से, फीफो मेथड से। देखिए क्वेश्चन आप सामने रखो अपने है? आपके व्हाट्सएप पे और हम लेते हैं फीफो मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये देखिए आपको बताया था
कि हम ये लेजर मेंटेन करेंगे, फीफो मेथड होगा क्या, देखो ये कॉलम बनाने पड़ेंगे आपको, देखो इन्वेंट्री लेजर, इन्वेंट्री लेजर। अरे स्क्रीन नहीं शो हो रही। अच्छा स्क्रीन शो नहीं हो रहा, अच्छा आप देखो जस्ट ए मिनट, अब शो रहा है जी सर। देखिए देखो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट वन का ए पार्ट, ठीक है ए पार्ट है, हम पहला ए पार्ट कर रहे हैं है? फिर बी है पार्ट वन का, फिर बी पार्ट होगा, पहले ए पार्ट, ठीक है ए पार्ट। देखिए ईस्टर्न डिपार्टमेंटल स्टोर इन्वेंट्री लेजर फीफो सिस्टम, देखो सब लिखा और आइटम का नाम लिख दिया और मंथ कौन सा मैं चल रहा है लिख दिया। ये देखिए परचेजेस या रिसीट्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बैलेंस, ठीक है इसके तीन कॉलम है, देखो यूनिट्स रेट अमाउंट, यूनिट्स रेट अमाउंट, यूनिट्स रेट अमाउंट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिया, फर्स्ट का देखो ओपनिंग बैलेंस क्या है क्वेश्चन में, देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है 900, ठीक है 900, देखो ये ओपनिंग बैलेंस, यानी कि बैलेंस जो है ये आपका क्लोजिंग है, यानी कि ये बैलेंस चल रहा बैलेंस स्टॉक, ठीक है इस डेट का ये लिख दिया स्टॉक बैलेंस, यहाँ लिख दो स्टॉक बैलेंस, ठीक है इन्वेंट्री बैलेंस ये स्टॉक बैलेंस, स्टॉक बैलेंस, ठीक है। देखिए 90 आइटम्स एट द रेट ऑफ 300, ठीक है देखो 90 आइटम्स एट द रेट ऑफ 300 और ये टोटल मल्टीप्लाई हो गया 3 × 90। अब देखिए फोर्थ, अब नेक्स्ट डेट क्या है, परचेजेस की डेट है, देखो पहले परचेज हो रही है, 4 तारीख को परचेज किया है 150 आइटम, ये देखिए फोर्थ डेट में देखो लिखा 4 मई 2020 150, रेट क्या है 310, मल्टीप्लाई हो गया 150 × 310 46,100 आ गया, ठीक है चेक कर लो मल्टीप्लाई करके, ठीक है 150 × 310 इज इक्वल टू 46,500, ठीक है। अब देखो स्टॉक में कैसे लिखेंगे, देखिए स्टॉक कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ये देखें इस तारीख को, पहली तारीख को स्टॉक था हमारे पास 90 300, अब ये अब स्टॉक लेकर फोर्थ का, फोर्थ मई का स्टॉक लिखोगे कैसे, ये जो पहले का स्टॉक जो पड़ा हुआ था ना वो कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पर, फिफ्थ का स्टॉक निकाल रहे हैं, ये देखो ये 90 ये पहले लिखेंगे इस, ये 90 300 और आज जो परचेस 150 150 390 310 46, ये वैल्यू आ गई, टोटल स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई, इन दोनों को जमा करके यहाँ लिख दिया 27,046,000, तो आज की तारीख में टोटल वैल्यू ये है, ठीक है। और किस तरह किया, फोर्थ को पहले का स्टॉक यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया पहले, ताकि इस तारीख में क्या आ रहा है स्टॉक, और फिर आज का स्टॉक इसके बाद लिखा और इसका टोटल कर दिया यहाँ पर, इसलिए ये एक वो लगा दिया ब्रैकेट लगा दी है, ये देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया जी सर। देखो अब इशू हो रहा है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेट है इशू की 9th की, देखो है परचेज तो इसके बाद कर रहे हैं ना, 9th को हम इशू कर रहे हैं, अब ये समझना आपने किस तरह किया, 9th को इशू कितना हो रहा है, देखो 9th को परचेज सेल कर रहे हैं 130 यूनिट्स है, 130 यूनिट्स है, वो जो प्राइस दी हुई है 330 वो यहाँ नहीं लेनी है, वो तो सेलिंग प्राइस है, देखो 970 कितना हो रहा है 130 सेल हो रही है, 130 की सेल हो रही है, ठीक है देखिए 130 कितनी सेल कर रहे हैं 130, तो देखें नाइन्टी कितनी सेल कर रहे हैं,
130, ठीक है, देखो 130, ठीक है, आपके पास फीफो मेथड है, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हसन साहब कैसे हैं आप? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, नहीं समझ आ रहा क्या करें सर, ठीक से समझ नहीं आ रहा। अच्छा अभी आएगा समझ आपको। देखो 130 बेच रहे हैं, देखो सेल कितनी हो रही है 130, तो आपके पास जो स्टॉक है ना, देखो 90 एट द रेट ऑफ 300 और 150 एट द रेट ऑफ 310 है। पुराना जो स्टॉक है वो 990 है और इसके बाद का जो स्टॉक है वो 50 है, 150 है, इसमें से सेल करना है। और आपको बताया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आइटम्स परचेज फर्स्ट आर इशूड फर्स्ट। तो आप देखो पुराने माल में से, और हमने सेल कितना कर रहे हैं, क्वांट जो सेल हो रही है वो 130 की 130 यूनिट सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब जब इशू करेंगे ना तो 190, ये देखो ज्यादा से ज्यादा पुराने माल से सिर्फ हम 90 बेच सकते हैं ना, यहाँ पर 90 है, तो 90 एट द रेट ऑफ 300। अब बाकी कितना बचा 130 में से, बाकी कितना बचा 40 आइटम यहाँ ले लिए, ये देखो 40 आइटम है, 40 आइटम यहाँ लिए, देखो 90, देखो ये 90 लिए, इससे ज्यादा तो नहीं ले सकते ना, पुराने से पुराने में वो ले लिया, बाकी कितना बचा 130 बेच रहे ना टोटल, बाकी 40 बचा, 40 यहां से ले लिया सेकंड ये जो आइटम 150 में से, ठीक है समझ गए, अब क्लियर हुई बात। तो ये वाला स्टॉक देखो 90 वाला तो बिल्कुल खत्म हो गया, ये तो बेच दिया, और बाकी 150 में से 40 ले लिया तो बाकी कितना बचा, 150 में से 150 माइनस 40 और ये बच गया 110 इस तारीख को, 9 तारीख को जो माल बचा सिर्फ 110 यहां में इसमें से, ठीक है, तो ये हो गया और ये आपके पास आ गया आज की तारीख में, ये बेचा 90 एट द रेट ऑफ 300 और वैल्यू आ गई बाकी 40 एट द रेट ऑफ 310 और स्टॉक क्या बचा 9 में, ये देखिए 110 है, ये 90 तो बिल्कुल खत्म हो गया जो पुराना था। अब क्लियर हुई बात? नो सर, ये सर ये एक बार रिपीट कर, आप ये रिपीट करते हैं फिर देखें, देखो ये स्टॉक है 4 तारीख को 90, ये देखो एट द रेट ऑफ 327,000 और फिर 150 एट द रेट ऑफ 310 46,000, यहाँ तक तो क्लियर है, और इनको वैल्यू को टोटल करके यहाँ लिख भी दिया, ये ब्रैकेट भी लगा दिया। अब 9 तारीख को माल बेच रहे हैं, परचेज तो 10 को कर रहे हैं ना, 9 की पेनेट्री करेंगे, कितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं 130, देखो सवाल में देखो 130, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आइटम परचेज फर्स्ट आर इशूड फर्स्ट आर सोल्ड फर्स्ट। देखो फर्स्ट माल तो यही है ना, 90 वाला पुराना है ना, ओपनिंग में जो था 90 वाला ही, तो ज्यादा से ज्यादा जो पुराने माल, जो सबसे पुराना माल है उससे पहले बेचना, उसमें 90 बचे हुए तो 90 हम बेचेंगे पहले है, जो देखो 90 एट द रेट, इसका रेट क्या है देखो 300, इसका रेट 300 है, वो यहां से पिक किया 300 से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। अब बाकी है टोटल सेल कर रहे हैं हम 130, बाकी कितना बचा 130 में से 90 निकल गया, 40 बचा, 40 फिर हमने सेकेंड आइटम में से लिया जो कि 150 था, तो उसका रेट है 310, ये देखो 310, इसको 40 लिखा, 40 क्यों लिया, क्योंकि हमें 130 बनाना है, टोटल 130 सेल हो रही है ना, तो 40 इसमें से लिया और इसका रेट है 310, 300 नहीं है, 310 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 12,400 आ गया, ठीक है ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इन्वेंट्री में गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री में, क्लोजिंग में देखो 90 तो खत्म हो गया और 150 में से 40 ले लिया है तो 110 लिखा है यहाँ पर और इसका रेट है 310, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये जो ये स्टॉक में बचा आज 9 तारीख में, ये तो दोनों सेल हुआ, इसका रेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये आ गई आपकी और क्लोजिंग स्टॉक ये। अब क्लियर? यस सर, सबको क्लियर हो गया, बोलो फिर आगे चलूं मैं। सर रेट जो था वो आपने लिखा 310 और जो रेट जो 5 तारीख को था वो तो 330 था, वो नहीं लिखेंगे? एक सेकेंड, 320 कहाँ है यार, 300 देखो ये 300 रेट था, ये देखो 300, ये 300 और इसका रेट है 310, 310 ये 310 सही तो लिखा है, ठीक है सर, ठीक है।
ठीक है, देखो 90 या पुराने स्टॉक में से लिया, उसका रेट था 300, बाकी बचे 40 बचे, हम 140 बेच रहे हैं ना, 130, तो अब उसका रेट लिया 310, ये देखो 310, अब ये 310 से मल्टीप्लाई होगी, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई 27,000 और 12,400, और स्टॉक क्या बचा 90, बिल्कुल खत्म हो गया, ये देखो सारा इशू कर दिया, और 150 में से 40 इशू किया तो 110 है, इसका रेट है 310, 310 से मतलब ये स्टॉक बच गया और ये सेल हुई आपकी, और यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 27,000 तीन, जिसकी वैल्यू है 300 एट द रेट ऑफ 90 एट द रेट ऑफ 300, और ये आ गया। अब देखिए इसके बाद परचेज हो रही है, डेट देखा आप परचेज है, तो परचेज हुई देखो, परचेज 10 तारीख को कितना परचेज कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन में देखो परचेज हो रही है 10 तारीख को 140, ये देखो 140, अब रिसिट्स के कॉलम में लिखे ना परचेजेस के, और उसका रेट है 314, तो 140 × 314 टोटल वैल्यू आ गई, टोटल अमाउंट आ गया। तो अब स्टॉक देखो, स्टॉक क्या बचा, देखिए स्टॉक हमारे पास अब क्या बचा, देखिए 110 तो ये था है, यहां पर 110 कर लिया, ठीक है, ये देखो 110 यहां, जब पुराना स्टॉक पहले लिखोगे ना 110 यहां बचा था ना 9 तारीख में, तो 10 में ये आ गया 110, 300 और अब 140 खरीदा, ये देखो 140 आ गया है, और इसका रेट कितना 314, और इसका वही अमाउंट आ गया 43,660, और इन दोनों की वैल्यू आज 15 तारीख में क्या हुई 78,000, इन दोनों को सम अप किया 78,060, ठीक है 78,060, ये ब्रैकेट इसलिए लगा दी यहाँ पर दोनों का कॉलम के ऊपर, क्लियर बोलो जी सर, ठीक है। अब देखो इसके बाद देखना है कि क्या डेट आ रही है, सेल की आ रही है या परचेज की आ रही है, ये देखना है, ठीक है, रिपीट भी हो सकती है परचेज फिर परचेज। अब देखा 10 के बाद जो है वो 15 की डेट है और वो सेल की डेट है, वो एंट्री करोगे, डेट वाइज करनी है, 15 तारीख आ रही है सेल की, अब 15 में सेल कितनी हो रही है, देखो सेल हो रही है 170, याद रखो 170 की सेल हो रही है, देखो 170 की सेल हो रही है, ठीक है सर, सर क्वेश्चन है सर, सर 17 को सर 170 की सेल हो रही है, आप 15 की सर यहाँ पे डेट डाली हुई सर, 15 में सेल हो रही है ना, देखो 15 में सेल हो रही है ना 170 की, जी सर 17/7/2020 को 70 यूनिट सर उसकी सर सेल हुई है, जो क्वेश्चन आपने दिए सर, देखो 15 की जो सेल है तो हमारे पास स्टॉक ये पड़ा हुआ है ना, देखो 10 के बाद जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो 15 में हुआ है और 15 में वो सेल हुआ है, तो सेल में आप दोगे, देखो ये सबसे पुराना माल यहाँ पर 110 क्वांटिटी है, एक दी रेट हो 310, तो 110 तो ये लेंगे हम, पुराना माल पहले बेचेंगे ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, देखो सेल कितनी हो रही है 170, तो ये ज्यादा ज्यादा पुराने में से 170 बेच सकते हैं, वो 110 ले लिया, 110 बेच सकते हैं ना पुराने में से, बाकी कितना बचा 110 ले लिया, बाकी कितना बचा 170 में से कितना बचा सर 60, तो 60 ये ले लिया, और 60 का रेट कौन सा लोगे, इसका रेट लोगे, यहां से बेच रहे ना 110 तो निकल गया, 60 का रेट है 314, ठीक है, तो ये 314 यहाँ पर ले लिया, और इसको फिर आप मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई हुआ। सर ये जो 60 का रेट रही है ये समझ नहीं आया, देखो 60 का रेट देखो 314, ये देखो 60 जो लिया है वो 140 में से लिया ना, इसका रेट देखो 314 है, अब क्लियर हुआ, 60 क्यों लिया, क्योंकि हमें 170 बनाना है ना, इससे ज्यादा तो नहीं लेंगे ना, तो ये तो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया 110 वाला, इसलिए वो लिखा ही नहीं, और 140 में से 60 ले लिया, 60 ले लिया, तो बाकी 140 में से 60 माइनस किया तो कितना बचा, 140 में से 60 माइनस किया तो बच गया अब 80 यहाँ ले लिया, और उसका रेट से ये मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया, ठीक है, तो इसमें 15 तारीख में जो स्टॉक बच रहा है वो 25,000, एक ही आइटम है, तो
इसलिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। ये आ गया, अब यहाँ पर आपको अब क्लियर हो गया जी सर। ठीक है, अब देखो आगे गए, अब नेक्स्ट डेट देखो 15 के बाद जो डेट आ रही है वो परचेज की आ रही है। देखो सेल की तो 24 को है ना, अब 20 की हम एंट्री करेंगे, है 20 की एंट्री करेंगे। देखो 20 की एंट्री की कितनी परचेज हो रही है, 20 को 170 परचेज हो रही है, 170 और रेट क्या है इसका 170 का, देखिए 318 परचेज हो रही है, 318 देखो 318 ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो स्टॉक कैसे लेंगे, ये देखो एक, ये देखो 80 बचा था यहाँ पर 15 तारीख को, तो ये 80 यहाँ गया, ठीक है ये 80 हो गया, और 170 फिर लिखा, मर्ज तो करना नहीं, अलग अलग लिखना ना, पुराना पहले लिखना है 170, ये देखो 170 यहाँ से उठ के आया, और इसका रेट 318 और ये 300 बनाए कि अब इन दोनों का टोटल यहाँ लिख दिया। ठीक है कितना आया देखो 25120 जमा 54060 ये आ गया 79। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट ये आ गया 25 तारीख में, अब इसके बाद देखिए 25 तारीख को है, देखो 24 तारीख को अब सेल हो रही है, लास्ट ट्रांजेक्शन जो हुआ है 24 को, इसके बाद तो हुआ है हो ही नहीं रहा है, 24 तारीख को सेल हो रही है कितनी 185 यूनिट्स की, और स्टॉक हमारे पास मौजूद है 80 एट दी रेट ऑफ 314 और 170 है। अब हम बेच रहे हैं कितना, हम बेच रहे हैं 185, इसका मतलब 80 यहां से लिया जाएगा, सबसे पुराना जो स्टॉक इस वक्त मौजूद है, 80 तो ये ले लिया और उसका रेट ले लिया 314, तो बाकी कितना बचा है, सेल कितना कर रहे हैं 185 माइनस 80 बाकी रह गया 105 दूसरे वाले में से लिया, तो देखिए ये 105 कहाँ से लिया, यहाँ से लिया। ठीक है ये तो अब पूरा खत्म हो गया 80 है, और 170 में से 105 ले लिया, तो बाकी स्टॉक कितना बचा, 170 में से 105 ले लिया, स्टॉक बचा 65 सर। हाँ अब बोलो क्लियर हुआ जी? यस सर। आप बताओ कोई क्वेश्चन हो तो, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, हाँ? और ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। अब देखो एंडिंग इन्वेंटरी क्या बची है, एंडिंग इन्वेंटरी जो जो 24 के बाद तो ट्रांजेक्शन हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब हुआ कि एंडिंग इन्वेंटरी हमारी, ठीक है एंडिंग इन्वेंटरी जो है ये जो 20,000 बचा ना एंडिंग, यही 31 मई की एंडिंग इन्वेंटरी हो गई। ठीक है देखो ये जो ये स्टॉक जो बच रहा है ना 20,625 24 तारीख में, यही एंडिंग इन्वेंटरी हो जाएगी ना, और सारा मिला के देखो क्लोज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया हुआ, ये कॉलम जो है ना इन सब को जमा कर लिया है, इन सब को जमा कर लिया। ठीक है तो आप देखें यहाँ तक 150 आ गया, ये देखो 150। ठीक है और ये एंडिंग इन्वेंटरी क्या आएगी है, आप एंडिंग इन्वेंटरी को यहाँ लिख लो चाहे, ये देखिए हमारी एंडिंग इन्वेंटरी क्या आई, ये जो स्टॉक बचा ना देखो ये जो 25 एक ही स्टॉक बच रहा है सिर्फ, यही एंडिंग इन्वेंटरी आई क्या नहीं 65, इसको जमा नहीं कर दोगे सबको, और ये 20,670 बस ये एंडिंग इन्वेंटरी 31 मई का, तो ये एंडिंग इन्वेंटरी है क्योंकि और पूरे महीने की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इसको देखो सबको जमा कर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक 150,000 और एंडिंग इन्वेंटरी 31 मई की, इसलिए यहाँ लिख दिया एंडिंग इन्वेंटरी 31 मई 20,625 यही उठ के यहाँ आ गया। अगर यहाँ एक से दो आइटम होते तो दोनों का टोटल आ जाता, तो 65 आइटम बचे और एट दी रेट एक ही आइटम बचा, एक ही ट्रांजेक्शन का 318 और इसका अमाउंट भी आ गया। बताओ क्लियर जी सर? ठीक है सब स्टूडेंट को भाई बोलो, एनी क्वेश्चन है यू कैन आस्क। नो सर। ओके हो गया सर, क्लियर हो गया ना बिल्कुल। अब मैं क्विज करना चाह रहा हूँ, वो थर्ड क्विज, अब इसका इस क्वेश्चन का जो है लीफो और एवरेज है, ये हम कल करेंगे है, और ये याद रखो ये परपेचुअल सिस्टम में इस तरह रिकॉर्डिंग होगी, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है परपेचुअल मेथड तो आपने इस तरह करना होगा। सबको क्लियर? यस
यस सर यस सर क्विज क्विज थ्री देखिए मैं लोड कर रहा हूं क्विज थ्री सर कल पे रख लें क्विज 8 मिनट रह गए हैं बाकी नहीं होंगे अच्छे से कल पे रख लें चलो ये समझो ये जरा ये इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछे सर ये जो हम साइट पर टोटल करते जा रहे हैं जैसे 73,500 78,060 ये भी करना जरूरी है अच्छा ये क्यों करना जरूरी है इसको मैं बताऊं इसलिए करना जरूरी है देखो कि इसलिए करना जरूरी है ये कि इसका देखो आइटम जो है ना ये दो आइटम बच रहे हैं देखो ये हमें ये तो पता लगे कि टोटल वैल्यू कितनी बच रही है यहाँ ये जो टोटल करने का मकसद क्या है ताकि हमें पता चले यहाँ तो ये पता लग रहा है कि 90 बच रहे हैं एट द रेट ऑफ 300 और 27,000 फिर 150 बच रहे हैं एट द रेट ऑफ 310 इस तारीख की बात हो रही है एट द रेट ऑफ 310 46,000 और ये क्लोजिंग स्टॉक जो टोटल वैल्यू कितनी बच रही है इसलिए ये टोटल कर रहे हैं टोटल वैल्यू कितनी बच रही है यहाँ पर टोटल दो आइटम आ गए ना तो टोटल वैल्यू ये बची ठीक है यहाँ पर देखो एक ही आइटम बचा यहाँ पर देखो एक ही आइटम टोटल करने की यहाँ लिखने की फिर जरूरत नहीं यहाँ देखो एक ही आइटम जब बचा तो हमने नहीं लिखा है ओपनिंग इन्वेंटरी में एक ही आइटम है तो नहीं लिखा क्योंकि दो आइटम बच रहे हैं या तीन आइटम बच रहे हैं तब टोटल करना जरूरी है अब बात समझे मकसद इसका क्या है जी जी ठीक है ताकि टोटल वैल्यू तो पता लगे अब यहाँ एक ही आइटम बचा देखो 25-24 तारीख को तो फिर लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पर क्योंकि एक ही आइटम है यही टोटल है लेकिन यहाँ पर दो आइटम आ रहे इसीलिए ब्रैकेट लगा के लिखा इसलिए ग्रैंड टोटल वैल्यू का क्या है स्टॉक में ये तो इंडिविजुअली है कि 25,120 लेकिन अब ग्रैंड टोटल क्या भाई ये ठीक है अब एंडिंग इन्वेंटरी में देखो यही बचा था अगर दो बचते तो यहाँ टोटल भी लिखते और फिर ये ग्रैंड टोटल यहाँ लास्ट में ये क्यों लिख दिया कि मंथ 24 के बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब 31 में भी यही रहा या 30 में मई का महीना तो 30 का है ना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में हाँ 31 का ये ठीक है 31 का महीना ठीक है तो ये 31st है तो इसलिए लिखा एंडिंग इन्वेंटरी यानी कि 31 मई को ये 26 इसलिए यही यही जो आएगा टोटल में भी यही आ जाएगा ठीक यहाँ पर ये इन सब को टोटल नहीं कर लोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना एंड क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही ना तो जो लास्ट में बचेगा एक आइटम या दो इनका टोटल यहाँ लिख देंगे और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्योंकि ये पूरे महीने की शो कर रहा है यहाँ पर हम सबका टोटल करेंगे शुरू से लेकर आखिर तक कि हमने पूरे महीने में जो सेल की हुई है कितनी 1,50,000 अब आप पार्ट बी पे आ जाओ ये पार्ट बी तो आज कर लेना कॉस्ट पार्ट बी बस आज की तारीख में हो जाएगा ये 2 मिनट में 5 मिनट अभी बाकी है देखो कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट निकालना ठीक है सेल कितनी हुई है हमारी देखो सेल कितनी हुई है ये सेल हो रही है ना ये देखो ये यूनिट्स है ये सेल हुई है हमने टोटल सेल कितनी की है यहाँ से लेके कितने यूनिट बेचे 485 ये देखो इसको अगर आप टोटल करो तो ये सेल यूनिट कितने यूनिट बेचे 485 यहीं से पता लग गया हमें ये देखो 485 ये देखो 485 सेल किया हमने ये 485 है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉलम को जमा कर लिया तो अब 485 का मतलब है कि सेलिंग प्राइस सेम है देखो सेलिंग प्राइस में देखें फर्क है या 310 नहीं फर्क है ठीक है सेल मेड ड्यूरिंग द ईयर 130 देखो इनकी हम सेल निकाल लेंगे क्या है देखो 130 देखें 130 का रेट है 310 330 फिर 170 जो बेचा है उसका रेट है 335 और 185 जो बेचा है उसका रेट है 340 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो आ गई ना ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अब सेल कितनी आई ये देखो सेल ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा सेल देखें ये देखिए देखो 130 यूनिट्स ठीक है 130 यूनिट्स एट द रेट ऑफ देखो क्वेश्चन में देखो 330 प्लस फिर कितना बेचा 170 170 यूनिट्स देखो 170 यूनिट्स और एट द रेट ऑफ इसका रेट है 335 रुपीज
रुपीज 335 प्लस है, प्लस फिर देखो 185 यूनिट्स है, और एट द रेट ऑफ इसका रेट है देखो क्वेश्चन में देखो 340 रुपीज 340 देखो कितनी आ गई सेल सर 162750 कितना 162750 मैं भी इसको देख लूं 130 मैं भी चेक कर लूं 130 आई होप सब समझ हो गए 330 प्लस 170 इनटू 335 प्लस है 185 इनटू 340 ठीक है ये देखो 162 हाँ यही बोला ना 162750 ठीक है सही है नहीं 162750 मैंने सही लिखा सही है यस सर ठीक है अब इसमें से क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर दिया वो तो फिगर आ गई ना ऊपर देखो लेस कॉस्ट ऑफ गुड ये देखो सेल हमने निकाल लिया ठीक है अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस बस हो गया सवाल है लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैंने शॉर्ट में लिख दिया जल्दी से ये कितनी है देखो ये फिगर कहाँ से ली ये देखो यहाँ से लिया ये 150 है 150 ये आ गया 150 यही तो फायदा हुआ इसका 855 ठीक है इसमें से माइनस हुआ तो आपके पास कितना बच गया सर 11900 हाँ ये आ गया आपका ठीक है लेस ये कर दिया तो आपके में इसमें से फौरन ये लिया और ये आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट है इसको ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे ना क्योंकि ये अभी अदर एक्सपेंसेस ही तो होते हैं ना तो इसलिए इसको लिखा ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा इसमें से ये माइनस कर दिया 162750 माइनस 150 ये आ गया और ये ग्रॉस प्रॉफिट ये आपका पार्ट टू कंप्लीट हो गया है अगर ये आ गया क्लियर हो गया भाई सबको यस सर लेकिन जब लीफो मेथड होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट डिफरेंट होगा है और एवरेज में याद होगा याद रखो कि एक चीज समझो कि बस एक सेंटेंस में और कह रहा हूं आपसे अगर अगर फीफो मेथड है ठीक है फीफो मेथड है तो ग्रॉस प्रॉफिट हाईएस्ट आएगा अगर प्राइसिंग इंक्रीज हो रही है क्योंकि हम पुराना माल बेच रहे हैं ना इसका मतलब कॉस्ट कम होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आएगा और लीफो मेथड होगा है नॉर्मली लीफो मेथड में ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हाईएस्ट होगी और कॉस्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट लोएस्ट आ जाएगा अगर इफ प्राइसिंग आर इंक्रीजिंग है नॉर्मली यही होता और एवरेज मेथड में मिड वैल्यू आएगी यानी कि मिड वैल्यू का मतलब एवरेज मेथड में प्रॉफिट जो है आपका फीफो से ज्यादा आएगा और लीफो से कम आएगा एवरेज मेथड में क्योंकि हम एवरेज कर रहे हैं ना फीफो से ज्यादा होगा और लीफो से कम है ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा इन दोनों के दरमियान होगा फीफो और लीफो के दरमियान जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो पार्ट बी भी समझ गए जी सर ठीक है तो कल हम करेंगे एक तो कोई स्टूप उसके बाद यही सवाल ठीक है यही सवाल हमने करना है लीफो से फिर यही सवाल करना है फी उससे एवरेज से है एवरेज को कहते हैं वेटेड एवरेज भी या मूविंग एवरेज सही लफ्ज है मूविंग एवरेज ठीक है उसको भी समझाएंगे तो आई होप के ये आप समझ गए ये सवाल ठीक है बिल्कुल क्लियर हो गया ठीक है अच्छा सर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया काइंडली जरा सर इसकी अकाउंटिंग एंट्री तो करवा दे सर क्या अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी अकाउंटिंग एंट्री इसकी होगी देखो अगर हम साल की पूरे महीने की एंट्री कर रहे हैं तो देखो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी मैं के सेल पहले सेल का भी रिकॉर्ड करेंगे सेल जैसे फर्ज करो हम सेल कर रहे हैं ऑन क्रेडिट तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी जैसे मंथ एंड पे कर रहे हैं एंट्री अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट ये देखो 160 से 160750 से अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 160750 और कैश सॉरी सेल क्रेडिट 160750 है ना अगर क्रेडिट पे सेल किया और फिर दूसरी एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट 158 ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट
150 850 और इन्वेंट्री क्रिएटेड 150 850 इस तरह एंट्री होगी, समझ गए? इसकी एंट्री दो एंट्री होंगी, एक तो सेल की अकाउंट रिसीवेबल डेबिट या कैश डेबिट, अगर कैश पे सेल कर रहे 160 750 सेल क्रेडिट 160 750, और फिर दूसरी एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट 150 850 और इन्वेंट्री क्रेडिट 150 850, ठीक है? क्लियर? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अभी हम कल आप बिल्कुल टाइम पे सब आ जाना है, एवरेज लीफो मेथड करेंगे, फिर एवरेज मेथड, फिर क्विज थ्री। ठीक है, मैंने आज प्लान किया था क्विज थ्री करने का, लेकिन टाइम खत्म हो गया। ठीक है, ओके फिर है, आई होप ये सब समझ गए। और आज का कल का लेक्चर सब मैं आपको सेंड भी कर दूंगा कल क्लास के।